को देखा क्या? नहीं, मैंने तो नहीं देखा उसे। ये 10 साल का सोना तो मैं भूल जाऊंगा राज सिंह, मगर तुम्हें याद रखूंगा। चलो कौन चंदू? माँ उसको ढूंढ रही है। तेरी माँ तुझे ढूंढ रही है, घर पे जल्दी भाग। डॉन किसी से डरता नहीं है माँ। क्या इस डॉन को कोई नहीं पकड़ सकता। जो काम बोला था वो हो गया? हाँ चंदर। चंदर नहीं, डॉन चंदू। ठीक है, पहले काम के पैसे दो। ये लो पैसे, पूरे हैं, गिन लो। ये ले बस्ता पकड़। डॉन बस्ता खाली है। तूने डॉन से गद्दारी की? बंटी, बंटी क्या हुआ? मैं मर गया हूँ पापा। शैतान कहीं का। भानुमती, मेरा कान छोड़। भानुमती, माँ को नाम से बुलाता है तू? बेशर्म कहीं का। तू जानती नहीं। ये क्या क्या लिखा है तूने? डॉन, कहाँ का डॉन है तू? बोल, नालायक। छोड़ दो इसे, बच्चा है। बच्चा है बोल बोल के आपने इसे सर पे चढ़ा रखा है, संभालो। चल। इसकी माँ ने इसे कितनी बुरी तरह से मारा है। आज तो तुम खिला दोगी दीदी, पर कल जब हॉस्टल जाऊंगा तो वहाँ खाना कौन खिलाएगा? तुम्हारी देखभाल करने के लिए हम कल से इस गांव में नहीं रहेंगे। पर क्यों? कब सुधरेगा? हाँ, सुधर जा वरना घर से निकाल दूंगी। इन महाशय का नाम है भूचाल सिंह। काले कारोबार में कोई इनका हाथ नहीं पकड़ सकता। खून खराबे कर करके इन्होंने अपना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया है। नमस्ते भाई। ये विठल नाटी है। आप बताइए ना, ये दुबई में किसी के हाथ के नीचे काम करते थे, वहाँ पैसों की कुछ हेरा फेरी की, इसे आपका सपोर्ट चाहिए। ओ, कितने का झोल किया? कोई झोल नहीं किया। तो किसके लिए काम करता था? नवीन दुग्गल। नवीन भाई, तेरे को मालूम है दुग्गल कौन है? रहता है दुबई में, कमाता है बाहर से, और पूरे इंडिया में अपना जाल बिछा के बिजनेस कर रहा है वो। उसको टोपी पहना के आए हुए टोपी बाज को मैं सपोर्ट करूं? नहीं हो सकता, भागो इसको। अगर आपने मुझे सपोर्ट नहीं किया तो डॉन नरसिंह मुझे मार डालेगा। जितना पैसा मांगोगे मैं दूंगा। क्या बोला बे? मुंह मांगी कीमत। उसके पहले क्या बोला? डॉन नरसिंह। पूरे विश्व में भूचाल सिंह का एक ही दुश्मन है, नरसिंह, जिसका सिक्का पूरे शहर में चलता है। दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं। भूचाल नरसिंह की हर चीज में नकल करता है, फिर चाहे दांत मांजने वाला मंजन हो या पूजा में इस्तेमाल की जाने वाली अगरबत्ती। भूचाल वही अखबार पढ़ते हैं जो नरसिंह पढ़ता है, भले ही वो भाषा पल्ले पड़े या नहीं। यहाँ तक कि दोनों की गाड़ियों का मॉडल भी सेम है। चूंकि डील में नरसिंह है, भूचाल भी इसमें कूद पड़ा। ये सौदा मेरे को मंजूर है। उस नरसिंह को धूल चटाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कितना ही बड़ा जोखिम क्यों ना हो। अरे इसे अपने शहर के फार्म हाउस में लेकर जाओ, और सड़क से नहीं हवा से लेकर जाओ, देखते हैं नरसिंह हमारा क्या उखाड़ता है। पापा बहुत परेशान है, कोई भी उनके चुंगल से इतनी आसानी से बच नहीं सकता। ये हमारे मुंह पे तमाचा है, मुझे उसका मरा हुआ मुंह देखना है बस। दुग्गल भाई को जबान दी है तो काम हो जाएगा, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। भूचाल का फोन है, स्पीकर पर डाल। ठीक है। ए नरसिंह, दुग्गल से सुपारी लेके तूने उसे टपकाने का सौदा किया है क्यों? और मैंने उसे बचाने का सौदा किया है। लाइफ में पहली बार मैं तुझे मात देने जा रहा हूँ। आज के बाद होने वाली हर लड़ाई में मैं तुझे पछाड़ दूंगा, धूल चटाऊंगा तुझे। तू कितने भी हाथ पैर मार ले, वो तो हो गया उड़न छू। अरे इसका मतलब वो भाग गया? हमारे पैसे का क्या होगा? अगर बिना पैसे मैं घर पर गया तो पापा मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नरसिंह कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ता, एक बार कह दिया काम हो जाएगा तो समझो काम पूरा हो गया। वो रहा आपका शिकार, मैंने अपना वादा पूरा किया। Oh!
मेरे कारनामे की बधाई देने के लिए फोन किया। तुझमें इतनी हिम्मत नहीं कि नरसिंह को अपना वादा पूरा करने से रोक सके। अब जो झटका मैं तुझे देने वाला हूँ भूचाल, उससे तेरी आत्मा कांप जाएगी। मेरी कैसे? जरा अपनी मुंडी लेफ्ट में तो घुमा। तो सिर्फ हेलीकॉप्टर किराए पर लिया था और मैंने पायलट के साथ सेटिंग कर ली। अगली बार मुझसे उलझने की सोचना भी मत। नमस्ते दुग्गल साहब, काम खत्म। जो भी आपका नुकसान हुआ है वो आपके पास दो दिन में भिजवा दूंगा। और आप हमारे होने वाले समधी हैं, आपके लिए तो कुछ भी करना मेरा फर्ज बनता है। चलिए जल्दी मिलते हैं। देखो जिया जी, चिंता जो है चिता समान होती है। पहली बार थोड़ी ना आप मुंह के बल गिरे हो। अरे घर के अंदर ही कोई भेदी छुपा हुआ है और उसने इसकी सूचना उसे दी होगी और वो इसी ने दी होगी। अरे चुप कर, मेरे ऊपर उंगली उठाता रख तू। अरे रुको, बात करो। तुम जैसे निकम्मों के साथ मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसका गला मैं तभी काट सकता हूँ कि मेरे पास कोई तेज हथियार हो। हेलो, कौन वार्तालाप कर रहा है? चमचमाता चंदू। हेलो, क्या क्या क्या? आपने मुझे मारा क्यों? सरकारी मुलाजिम के नाम पे धब्बा है। अबे 100 की हरी पत्ती दी थी ना तुझे, 40 का छुट्टा नहीं बोल के टिकट के पिछू लिख दिया। जिस अस्पताल में अपन पैदा हुआ था वो भी चंदे के पैसे से बना था, इसलिए बंदे को चंदू बोलते हैं। क्लीनर बस्ता फेंक। मैं सो गया था इसीलिए पैसे देना भूल गया। बीवी खूबसूरत है? हाँ बहुत ही। इसलिए नींद पूरी नहीं हुई? अच्छे से नींद पूरी किया कर ताकि ड्यूटी पे नींद ना आए। ले बाल स्ट्रेट करवा लेना। अरे बापरे, ये बालक भेड़ा हुआ था, बड़ा होके और बिगड़ गया। पीछा कैसे छुड़ाए? ऐसे नाटक करो जैसे हम इससे अपरिचित हैं। तुम में से नहाकर कौन नहीं आया? नहाना भूल गया। किससे भेंट करनी है? मैं एक बार चड्डी पहनना भूल सकता हूँ लेकिन तेरे को कैसे भूल सकता हूँ मेरे लाल। कौन सी चड्डी पहनी है? ये तो अपना चंदू है। तुम शीघ्र वापस कैसे आ गए? बम्बई में जगह का किराया बहुत महंगा है इसलिए वापस आ गया। चलना। चंदू भ्राता, अचानक यहाँ क्यों आए? डॉन का कोर्स करूँगा। ये क्या होता है? गली के हर कोपचे में होता है। डॉन के कोर्स में 50% का डिस्काउंट है। तेरे डॉन बनने का भूत अब तक उतरा नहीं है। और वैसे तू था कहाँ? इन सब में तू सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। यहाँ से भैंस के डिब्बे में बैठकर मैं बम्बई गया। कोरला टर्मिनल पे उतरते मेरा अपहरण हो गया। आँख खुली तो मैंने खुद को रगड़ी चाल में पाया। देखा कि साक्षात भाव मेरे सामने है। भाव ने सीसीटीवी फुटेज में ही मेरे टैलेंट को परख लिया था और पहली वसूली करने मदनपुरा के शिरीन भाई चाल में भेजा। लोग अभिनेता और नेता बनने की बात करते हैं और तू डॉन बनने की बात कर रहा? थी। हीरो वाली शक्ल नहीं ना अपनी। और डॉन की लाइन में टैक्स फ्री इनकम है। पर काले धन का सरकार को पता चला? अरे उसकी चिंता मत कर, दुबई निकल जाने का। किसका सेवन करोगे? बीयर। और तुम? रम शरबत। और तू क्या लेगा? बिना लेबल की। अरे कुछ तो अपनी औकात का ख्याल रख। मशहूर डॉन यही पीते हैं। ये कैसी अजीब फरमाइश कर रहा है? इस शहर में काजूपाड़ा का नरसिंह और माधवपुर का भूचाल सिंह, यही दो दल चलते हैं। तू क्या करेगा? दोनों में से किसी एक गैंग का चकनापन बनेगा। और तो वो बनेगा कैसे? टैलेंट पे, अपन के अंदर बहुत है। आज जो बंदा 120 का शर्ट पहन के बैठा है वो कल पठानी में नजर आएगा। फिर क्या करेगा? क्या लेंगे सर? फोड़ने के लिए गुंडा दे सर। हाँ, यहाँ पे होने वाला राड़ा नागपाड़ा और कांजीपाड़ा के भाइयों को सुनाई देना चाहिए। सुन, यहाँ पे थोड़ी देर में मारामारी होने वाली है। हाँ। तो कोपचे में खड़े रहकर मेरे भाई गिरी का वीडियो बना। इसी वीडियो को पोस्ट करके मैं डॉन की पोस्ट पे बैठ जाऊंगा। इसकी बात सुनके चार लोग कोमा में चले गए। जा चार ग्लास मदिरा ला। अरे आज फोन करके कल तक वालों को बुला लो। वो पहले ही बड़े से बड़ा झूठ फैलाने में व्यस्त है। तेरा ये छोटा मोटा झूठ फैलाने का समय नहीं है। तुम लोगों की छोटी सोच की वजह से तुम लोग छोटे रह गए हो। मेरा ऐसा नहीं है, मेरी नजर हमेशा बड़ी चीज पर होती है। अरे लगाओ फोन। हेलो फ्री पब्लिक। हाँ कहिए। कुछ भी न्यूज से बोल रहे हैं? हाँ, क्या मैं सरनब से बात कर रहा हूँ? हेलो बवासीर न्यूज। बिना धूप के ये गॉगल वाला कौन है? सर वो कमिश्नर का सुपुत्र है।
ची ची ची, जोड़ी सूट नहीं करती है, तू पटाएगा? नहीं, नहीं। तू कल तक वाले आज ही पहुंचेंगे। गाड़ी पार्क कर रहे हैं। अरे बाप रे, इससे पहले वो यहाँ पहुंचे किसी को तोड़ फोड़ के फुटेज तैयार रखनी पड़ेगी। लाइट्स ऑफ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर शीतल, हैप्पी बर्थडे टू यू। Happy birthday. Andri te mat. ये तो बहुत अच्छा था, अब जरा तुझे भी चख लूं। ये बहुत खड़ूस है सर। खाता इससे खोलता हूँ, घुंघराले बाल, इसे धोकर बदल देता हूँ इसकी चाल। इसे मारकर डेफिनेटली डॉन बनूंगा। अरे चंदू, अरे रुको, बचा, क्या कर रहा है यार भाई? डू डू डू। अरे जितनी लगी नहीं उतनी ओवर एक्टिंग कर रहा है। जा, बाहर गन्ने वाला है, बर्फ लेके सेक ले। एक केचुए के बाद अपनी हवस संभाल। ए, तेरी तारीफ? बंदा तारीफ बाद में बताता है, पहले दुश्मनों की मौत की तारीख तय करता है। पहले बता, तू कौन है चिपकली के अंडे? क्यों बे, मगरमच्छ की आंखें निकाल के लगाई है क्या? तेरी तो पहले मैं बारटेंडर का ही काम करता था, नासिक हाईवे पे 2 साल, नवसारी में 1.5 साल, भटिंडा में 6 महीने, फिर चेरापूंजी के जंगलों में मैंने बकरियां भी चराई। खानदानी मजदूर हूँ, शराब से दूर हूँ, ये ले पकड़। आपके बेटे की किसी ने बहुत बुरी तरह धुलाई की है। नमस्ते दुगल साहब। नरसिंह, ये किसने किया? किसी चंदू नाम के डॉन ने आपके बेटे की पिटाई की, उसे ठिकाने लगाने के लिए मेरे आदमी उसे ढूंढ रहे हैं। आपका बेटा सिर्फ उसकी आवाज पहचान सकता है, उसकी शक्ल नहीं। बहुत जल्द मैं उसे ढूंढकर उसे खत्म कर दूंगा। पहले प्रवीण को जल्दी से जल्दी यहां भेजो और बिना समय गवाए उस आदमी को मौत के घाट उतार दो। समझ गया दुगल साहब, नमस्ते। महंगा पड़ेगा मेरे बेटे पे हाथ उठाना, उस चंदू को महंगा पड़ेगा। अभी अभी सूचना मिली है कि रेट्रो पब में हुई मारपीट का कारण कोई डॉन चंदू है। डॉन चंदू ने जिसको पीटा उसका नाम है प्रवीण दुग्गल और वो एक बड़े बिजनेसमैन नवीन दुग्गल का सुपुत्र। अंडरवर्ल्ड में खाता खुल गया। डॉन चंदू का प्रवीण दुग्गल को मारना सही था या गलत, यस या नो लिखकर 50505 पर SMS करें।
देखा भाई, बिना इलेक्शन में खड़े हुए तेरे दोस्त को वोट मिल रहे। लोग हजारों वीडियो बनाने के बाद वायरल होते, तू तो बिना वीडियो के वायरल हो गया, मशहूर हो गया तेरा दोस्त। वो तो ठीक है, पर तेरे इस कारनामे के बारे में जिसे मालूम पड़ना चाहिए था उसे पता चला? तू संदेश पहुंचा दे। उसकी जरूरत नहीं, मैंने बता दिया डिटेल में। किसको बता दिया? शहर में किसके चर्चे हैं? डॉन नर्सिंग के। इसलिए भूचाल से बात की। उन्होंने ऐसा उल्टा क्यों किया? अरे यार, उड़ते हवाई जहाज पर कदम रखने से अच्छा है डूबती कश्ती में पैर रखूं। आने दे उन्हें। ए, तुम में से चंदू कौन है? ए, बकरी है क्या तू? लगता है यही है। डॉन चंदू तुम ही हो क्या? पढ़े लिखे गुंडे लगते हो, आओ चाय पियो। भाई ने चाय पे बुलाया, इन्हें भी पिलाओगे ना? चाय से एसिडिटी होती है। चाय पीनी ना हो तो ठीक है, काढ़ा पी लेना। तुम लोग भी आ जाओ। काश मैं चंदू की गर्लफ्रेंड होती तो मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझती, मुझे वो बहुत पसंद है। एक ही दिन में इतना मशहूर हो गया? क्या मस्त चुना लगा है, और दीवार पे महिलाओं की पेंटिंग भी मस्त है। कल के बेटे को क्यों धोया? ये बात मैं भूचाल को बताऊंगा, उनके चमचों को ने क्या बात करता है। ए, मैं ही भूचाल हूँ। हुजूर, गुस्ताखी माफ। भूचाल नाम सुनकर लगा आप 7-8 फीट के होंगे। आपका साइज तो इतना सा है, पर सबको हिलाते अच्छा हो। हाँ ठीक है ठीक है, उसको मारा क्यों ये बता? नामचीन बनने के वास्ते। दुश्मनी के लिए मारता सुना है, पेमेंट के लिए भी मारता सुना है, नामचीन बनने के लिए कौन मारता है? दुश्मनी की खातिर मारना इमोशन है, पेमेंट की खातिर मारना प्रोफेशन है। तू अपना बता। एम्बिशन, मैं डॉन बनना चाहता हूँ। डॉन बनने के लिए तू किसी को भी ठोक देगा क्या? किसी को भी, तेरे को भी ठोक सकता हूँ। घोड़ों को अस्तबल में रखो। उसको मार के मुझे फोन क्यों किया? अब मुद्दे की बात की ना, जब ट्रेन से आ रहा था ना तब मैंने सब गूगल कर लिया था। तेरे मुकाबले नर्सिंग का दबदबा बहुत ज्यादा है, अगर मैंने अपना हाथ तेरे पे रख दिया ना तो तेरा वजन भी बढ़ जाएगा। तुझे क्या लगता है, तेरे जैसे छपरे को भाई अपने साथ रखेंगे? ए, मेरे को पता है कि तू भूचाल का बनियान और जांगिया इस्त्री करता है। ए! क्या रे, ये एक प्लेट तू कब से इस्तेमाल कर रहा है? ठोक दूंगा। बॉबी, नो नो, कंट्रोल कंट्रोल। तेरा दिमाग, तेरी स्टाइल, तेरा डेरिंग, सब कुछ अच्छा है, लेकिन एक चीज में फेल है तू। वो क्या? तेरे को मेरे गैंग में शामिल करने के बजाय तुझे टपका डालना ही मेरे लिए फायदेमंद होगा। पता है क्यों? वो नरसिंह दुग्गल के सपोर्ट से ही उड़ रहा है, और तुझे ठोक के मैं दुग्गल का खास बन जाऊंगा। चल अभी हिलना मत। ए, दुग्गल को लगा तो? लगाता हूं भाई। नमस्ते दुग्गल जी। बताओ क्यों फोन किया? आपके ही फायदे के लिए फोन किया दुग्गल साहब। माना कि आपका डिपार्टमेंट नर्सिंग संभाल रहा है, लेकिन मेरे जलवे क्या है वो सुनना चाहेंगे? आपके सुपुत्र को जिसने धोया वो मेरे सामने खड़ा है। मार दो उसे अभी, फोन पर मुझे उसकी चीखें सुनाओ, इसके बदले तुम्हें जो चाहिए मिलेगा। मर गया, मार दिया ना उसे पूरी तरह से। शाबाश भूचाल, आज के बाद से तुम भी मेरे लिए काम करोगे। क्या चाहिए तुम्हें बताओ? आपने कह दिया वही काफी है, और कुछ नहीं चाहिए। आपके आशीर्वाद ही मेरे लिए सब कुछ है, ये तो सिर्फ एक नमूना है। तो के पास हटाओ रे इसको। अरे इसे क्यों मारा? इतने दिनों से खाता मेरा था सेवा नर्सिंग की करता था, इसीलिए कम कर डाला। दुग्गल को ये जता दिया कि उसके बेटे को धोने वाले को ठोक डाला, अब तुम्हारे सपोर्ट से उस नर्सिंग की कबर खोद डालूंगा। मतलब इस बेरोजगार को रोजगार मिल गया? वो भी फिक्स में। आज से कुछ दिनों के लिए तुम डॉन चंदू नहीं हो, सिर्फ चंदर। मुझे मंजूर नहीं, आपकी गैंग में मत लो, लेकिन नाम मैं नहीं बदलने वाला हूँ। तेरे को पोस्ट चाहिए कि नाम चाहिए? दोनों चाहिए। दोनों? पोस्ट चाहिए तो कुछ दिनों के लिए, नाम कुर्बान करना पड़ेगा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ओके लाल बादशाह, ठीक है। वैसे भी नाम में क्या रखा है, एडजस्ट कर लेते हैं। चलेगा। ओके तो ऐश कर, जो चाहिए बोल देना। आपके गॉगल्स चाहिए। वो काहे को? क्योंकि उस पे डी लिखा है ना, डी मतलब डॉन। वो पाइप भी चाहिए। उस पे डी कहाँ लिखा है? मैं लिख लूंगा। चिलम के लिए कोयला भी खरीदना है, चलो। ये क्या भाई, आप उसे अच्छे से जानते भी नहीं और उसे गैंग में शामिल कर लिया? ए, तुम लोग के दिमाग में भूसा भरा हुआ है और मेरे दिमाग में सूखा मेवा, उसके धुएं में भी डॉन लिखा हुआ है। देख, अबे देखना।
आज उस भूजाल ने मुझे मात दे ही दी। जो शिकार मैं करने वाला था वो उसके हाथ लग गया। ये अच्छी बात नहीं है। भूजाल को इसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। जो हुआ भूल जाओ। मेरा पत्ता कट करके दुग्गल के साथ अपनी सेटिंग कर ली उसने। अच्छा गेम खेल गया भूजाल। दुग्गल साहब की नजरों में मुझे नीचा गिराकर खुद को ऊंचा कर लिया। भूचाल की इन हरकतों के पीछे किसका दिमाग है ये पता लगाना होगा। ये तुम्हारा पासपोर्ट और टिकट, कल जर्मनी के लिए निकलो। हाँ, जर्मनी? आप महान है भाई, पहला काम विदेशी। वहाँ क्या करना है? चोरी करनी है, डाका डाला या मर्डर? मैंने सब कोर्स किए बॉस। इनमें से कुछ भी नहीं करना। तो फिर? लव करना। लव? प्रेम तो मैं आपसे करता हूँ ना। मैं वैसा नहीं हूँ। नर्सिंग की बहन से करना है, वो जर्मनी में पढ़ती है। उसकी बहन उसकी जान है और वो खुद से ज्यादा उससे प्यार करता है। अब तू क्या कर, उसकी बहन को पहले पटा, फिर उसके बाद उसको धोखा दे। उस सदमे से वो नर्सिंग खुद ही मर जाएगा। डॉन कैसे प्यार कर सकता है? मैं नहीं करूंगा। डॉन बनने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे, तो प्यार करने में क्या प्रॉब्लम है तुझे? मैंने बहुत से डॉन देखे जो गुलू गुलू करते हैं। डॉन फिरोदी का फोन करता है, प्यार नहीं। अरे क्या बात कर रहा है, डॉन का दिल नहीं है क्या? डॉन ने प्यार किया था, भले वो डुप्लीकेट था। ये ऊपर किसको देखता है? हाँ चला जाऊंगा, लेकिन एक और टिकट चाहिए। किसके लिए? डॉन कभी अकेला नहीं होता, वो दुकेला होता है। बॉबी इसके सेटिंग करा देना, उस लड़की की इन्फॉर्मेशन इसके पास है, ये सब संभाल लेगा। ठीक है, आभार। चलो। ये क्या जीजा जी, इतने बड़े काम को अंजाम देने के लिए आपने इसको क्यों चुना? अबे बैल की दुम, कल टीवी पर नहीं देखा क्या? लड़कियां इसकी फैन है, तभी मेरी घंटी बजी। ऐसी सेटिंग की है ना, नर्सिंग डिप्रेशन के मारे खुदकुशी कर लेगा। ये लो बोर्डिंग पास, चलो। बहुत कंजूस है ये। ये महाशय हमारे साथ क्यों चल रहा है? लड़की को यही पहचानता है, उससे यही मिलवाएगा। चल। अच्छा, ऐसा क्या? हम हॉलिडे पे नहीं, मिशन पे जा रहे हैं। बाप रे, मिशन पे? मैंने पिक्चरों में देखा है, मिशन पे जाते दो लोग हैं, पर आता एक ही है। यही तो मित्रता है। नर्सिंग की बहन उसी कॉलेज में पढ़ती है। कॉलेज बाहर से इतना सुंदर है तो वो अंदर कितनी सुंदर होगी। श्रीमान हट जाओ, नहीं तो कौवे का शीट गिरेगा। नहीं गिरेगा। कौवा शीट के लिए लोग दुआएं मांगते हैं बे, कौवे का बीट लकी होता है। मुंह बंद कर। वो जो आ रही है वही नर्सिंग की बहन है। वो उछलते बाल वाली क्या? हाँ। इसका ड्रेसिंग सेंस तो मन भावन है, कमर 26, चेस्ट 52 है। लाल काले भूरे कितने रंगीन बालों की कन्याएं हैं, एक से दो होने का मन कर रहा है। हाँ है, पास में मंदिर है क्या? शादी है। Hey Debs, this is for you. ओ, बदबूदार है। बदबूदार? देख लिया? देखा देखा, ऊपर से नीचे तक देखा, आसपास वाली को भी देखा, फिर भी मन भरा नहीं है। सुनो, भूचाल भाई को पटाना आसान था, इसे नहीं। मैं सीता की ताकि कसम खाता हूँ, जब तक इसे पटा नहीं लेता ना अपने हेयर डाई करूंगा ना हेयर कट करूंगा। ये मेरा खुद का खुद से वादा है। ये क्या? गोल्ड कार्ड, कितना भी खर्च कर सकते हो। शक्ल गंदी है पर दिल का बड़ा अच्छा है। अगर काम पूरा नहीं हुआ तो भूचाल भाई डबल वसूल करेंगे। हम गरीबों के पास दो जोड़ी चड्डी की सेवा कुछ नहीं, वसूल क्या करेंगे? जान है ना। अरे यार बॉबी, उल्टी पैदाइश है क्या, उल्टी बातें करता है। मैं ऐसा ही हूँ। तेरी शक्ल पे ही भाई वाला टैग लगा है, तुझसे कोई नहीं पटेगी। अबे तू वो भवरा है जो किसी भी फूल का रस चूसने जाए तो फूल मुरझा जाए। चल निकल यहाँ से। जाने से पहले मैं एक और बात कहना चाहूंगा। जल्दी बोल। जैसे ही उसकी पढ़ाई खत्म होगी वो 15 दिनों में इंडिया वापस आ जाएगी। तुम्हारे पास सिर्फ 15 दिनों का टाइम है, याद रखना। जल्दी निकल वरना प्लेन में खड़े खड़े जाना पड़ेगा। सुबह इसका मुंह देख ले तो बनता काम बिगड़ जाए। अच्छा जर्मन शेफर्ड, तेरी शक्ल उस नस्ल से मिलती है। ए तू खुश तो है ना कि तेरे दोस्त ने इतना अच्छा नामकरण किया? इसे स्वाइप करके उसे वाइफ बनाता हूँ। क्या बात है दिप्स, आज तक साइकोलॉजी में किसी को 95% नहीं मिले होंगे, है ना? ये कैसे मुमकिन है? तुम सब किताबी कीड़े हो और मैं इंसानों को पढ़ती हूँ। बस वो तो है, तुमसे तो बातों में कोई भी नहीं जीत सकता। बिल्कुल। काले चश्मे का एक लाभ है, किधर देख रहे पता ही नहीं चलता। एटीट्यूड में आ जा, थोड़ी नल्ली इंग्लिश बिंग्लिश बोलने की कोशिश कर। सॉरी। बिल में वड़ा पाव भर के मिलेगा? बिल क्या तेरा बाप भरेगा? अरे काट दिया ना उसने। ओह वेरी गुड।
तू तेरी वाली चूज कर ले। मिस्टर शेफर, यहाँ $50,000 का बर्गर तो मिलेगा ना? थोड़ा चुरन देना पड़ता है। यही देख रही है। चल नॉन एक्टर, एक्टिंग का टैलेंट दिखा दे। यही तेरा अंतिम निर्णय है? एकदम 100% ऊपर वाले की कसम। दिल रखने के लिए आई लव यू बोल दो वरना अपने प्राण त्याग देगी। किस किस की जान बचाऊं? अरे नेक काम के लिए झूठ बोल देना। कैसे? उसे देखकर मेरी प्यार वाली घंटी नहीं बजती। मिस कॉल देके तो देख। अरे दिल की कटोरी में उसके नाम की दही तो जमनी चाहिए। मतलब लव से पहले प्यार फिर बच्चे 4। सॉरी, ये सच्चा आदमी है, तुम्हें नहीं बचा सकता एंड्रिया। इसे कहते असली मार। अरे ओवर एक्टिंग मत कर। विश्वास नहीं होता, पहली बार किसी लड़के ने किसी लड़की का प्यार ठुकरा दिया। क्या बात है। ओ नौटंकी, ये ना पक्का हमारे सामने एक्टिंग कर रहा है। और तुम जैसी ना समझ लड़कियाँ इनकी बातों पर यकीन करके बहक जाती हो। ये सब ड्रामा है। यही है वो जिसने मुझे धोखा दिया है। तुम्हें चंदू हो क्या? हाँ सिक्योरिटी गार्ड। ये लड़की सुइसाइड करने जा रही थी और ये कह रही है कि तुम इसके पीछे पड़े हो, हम तुमको अरेस्ट करने आए। मतलब वाह, मेरा जुर्म क्या है? ये गोरी मेरे पीछे पड़ी है, मैं इसके आगे नहीं पड़ा हूँ। ये क्राइम है। लव स्टोरी। I really love him. मेरी मदद करो। Oh, sorry, Mr. Chandu. मुझे कुछ गलत फहमी हो गई थी। I'm sorry. तुम जा सकते हो। अब बोल। Sorry for the trouble. Good acting. पैसा लेके जाना। सुनिए, चंदू please. I love you. I really love you. अरे 5 मिनट प्यार कर ले। क्या 5 मिनट का प्यार कर ले? 5 मिनट में अगर 9 महीने की कस्टडी हो गई तो इसकी फ्रेंड्स भी पीछे पड़ी है। अभी ये पीछे पड़ी है, 3 बजे ये पड़ेगी, 6 बजे ये पड़ेगी और 12 बजे ये दोनों। एक लड़का और उसकी इतनी सारी सहेलियां कैसे चलेगा? जाओ जाओ ले जाओ उसे, अच्छा सा डिस्काउंट ले। बोल अच्छा भी काम मत रो पगली, मत रो, मैं तुझे कम कह रहा, संबंध दिखाता हूं। जा तू ही शादी कर ले, जा। सॉरी। She's crazy. मैडली मेरे प्यार में गिर गई है। कोई भी लड़की मेरे से प्यार नहीं करना वरना अच्छा नहीं होगा। सबसे कट्टी हूँ मैं। चलो निकलते हैं। कैसी लगी एक्टिंग? ब्यूटीफुल। तुम इंडिया जरूर आना, तुम्हें सीरियल में काम दिलाऊंगा। ये लो ऐश करो। ओके चलता हूँ, बाय बाय। अपने देश में 750 में काम हो जाता, यहाँ 7,500 लग गए, पर काम तो हुआ ना? हो जाएगा। कैसे? मैंने दिल के कैमरे में प्यार की रील डाल दी है, बस डिस्काउंट शूट करना बाकी है। मां कसम आज तो हो जाए दो दो राम। अरे वो वापस आ गया यार। दीप्ति, मैंने अपने मम्मी पापा से बात कर ली है, उन्हें भी तुम बहुत पसंद हो। मेरे जीवन का फैसला मेरे पापा नहीं, मैं खुद करती हूँ। अरे बेचारा है वो। बेचारा है तो क्या साथ फेरे ले लूं? इसे हाँ कहा तो फिर इसके दोस्त भी पीछे पड़ेंगे। ये तो वही बात है। किसने कही थी? हाँ, कल कैफे में एक इंडियन लड़के ने यही बात कही थी। ऐसा लगता है कि तुम दोनों के विचार बहुत मिलते हैं। बकवास बंद। हाँ? कर। मैं उसे घास डालने वालों में से बिल्कुल नहीं हूँ, वो मेरे चक्कर काटता। बस पीछे वो नारियल का पेड़ है, उसे काट कर गिरा दो, वो कैमरे को डिस्टर्ब कर रहा है। अब मैं पानी पी के आता हूँ। तो चल अभी नचा के दिखा। किसे नचाऊं? हाँ? उस लड़के को। लड़की भागकर वहाँ से आएगी और टॉमी को हम लड़की के पीछे छोड़ेंगे। इस चूजे को, इस कोई बड़ी बात नहीं है। मेरी चुनौती स्वीकार कर ले, देखती जाओ। बढ़िया, नागिन चाल, सिल्की बाल, गोरी खाल, मॉडल मिल गई। अरे ऐसे लोग फ्रेम में आएंगे तो कैमरा खराब हो जाएगा। अरे इसमें मत घुस, जा पिंकी को हटा। अरे मालिक है, कैमरा देकर उसमें घुसने की आदत छोड़ दो, साइड से भी तो जा सकती हो। ओह हिंदी नहीं आती होगी। नो कैमरा MMS, साइड वॉक SMS। ओके सर, गुड बाय। वेलकम 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 बैक। तो मेरी दी हुई चुनौती तुम हार गई। इस लड़के का ध्यान कोई नहीं भटका सकता, तो चलो लेट्स गो। हेलो एक्सक्यूज मी, वेट आई कम। मैं चंदू लाल, ऐसा लगता है कि मैंने पहले आपको कहीं देखा है। नारियल तेल के एड में। मैं रोज लगाता हूँ। नारियल तेल की मॉडल। बॉटल पे से इनकी फोटो कई बार छीली है। मैं यहाँ पर कॉकरोच मारने वाले चौक का एड करने आया हूँ। हाँ तो मुझे एक अच्छे से कॉकरोच की तलाश है, मतलब लड़की की, कोई हो तो बताना। कॉकरोच से कम सुंदर होनी चाहिए। क्या?
अरे रोल की रिक्वायरमेंट है तो ये सुंदर नहीं है क्या मैडम? कॉकरोच वाली मॉडल एकदम हॉट होनी चाहिए, प्रोडक्ट में दम नहीं है इसलिए मॉडल एकदम कड़क ढूंढ रहे हैं ताकि प्रोडक्ट धनाधन बिके। ये नहीं चलेगा। क्या बोल रहे हैं? नहीं चलूंगी से तुम्हारा क्या मतलब है? होल्ड होल्ड वन मिनट चंदू, ये खुद ही सबसे बड़ा कॉकरोच है। लव यू सो मच, आई वांट टू मैरी यू, विल यू मैरी मी? नो मैरी, मैरी के लिए टाइम नहीं है अभी। बॉय कार्ला को कार में बिठा दे। पीछे बिठाऊं या आगे? जाता जाता हूँ। कम कार्ला, लेट्स गो, आई एक्सप्लेन। ओके तो तुम पीछे क्राउड में खड़ी रहोगी। भाड़ में जाओ कॉकरोच। इसे मनाओ, 200 रुपया ज्यादा दूंगा। आपने उसे ये क्या कह दिया? देखिए आपके होते हुए मैं उसे मेन लीड में नहीं ले सकता, आप हीरोइन मटेरियल है, उसमें वो क्वालिटी नहीं है। आप अति सुंदर हैं, वो बोल्ड वाला प्रोजेक्ट इनको दे दे। मुझे लगता है बोल्ड शूट करने के लिए इसमें कॉन्फिडेंस की कमी है। हेलो, बहुत कॉन्फिडेंस है। अरे वाह, अगर आप हमारा ये शूट कर देंगी तो हमारी मैगजीन तो चल पड़ेंगे। क्यों बॉय? लोग सारी पुस्तकें फाड़ के सिर्फ हमारी मैगजीन पढ़ा करेंगे। आप इतने सुंदर हो। बॉय मुंह में मत घुस, आप तो मेरी कुछ ज्यादा ही प्रशंसा कर रहे हैं। यही सच है। क्या आप मेरी अगली फेयरनेस क्रीम की एड करना चाहेंगी? सुनिए, आपकी सहेलियां आपको टाटा कर रही हैं शायद। इसे छोड़ो यहाँ, अब मैं चलती हूँ। जरा सुनिए ना, कल मैं ऑडिशन रख रहा हूँ, साड़ी पहन के आना और रोल ले जाना। प्रिय मित्र, समझ में नहीं आ रहा तू इसे पटा रहा या उसे। अगर रेगिस्तान में मिनरल वाटर ना मिले तो सादे पानी से काम चलाते हैं। गाय को पटाने के लिए चारा डालना पड़ता है मेरे दोस्त। मतलब ये चारा है। अरे मैं क्राउड वाली लगती हूँ क्या? नहीं यार, खूबसूरत नहीं। हाँ शायद। अरे मेरा मतलब ऑफ कोर्स तुम सुंदर हो। ओ फिर उसने क्राउड वाली क्यों कहा? अनजान आदमी की बातों को दिल पे क्यों ले रही हो? और वैसे भी तुम इंडियन ड्रेस में बिल्कुल अच्छी नहीं लगोगी। वो सही कहा। तो तुम क्या चाहती हो? उस कॉकरोच वाले के लिए मैं साड़ी पहनने के लिए राजी हो जाऊँ? अरे बाबा आज नहीं कल पहननी है, कल। भूल जाओ। ठीक है तो मैं ऑडिशन दे दूंगी। तुम ही पहन लो साड़ी, मुझे क्या। अरे उस कन्या को तूने कुछ ज्यादा ही बुरा भला बोल दिया है। मुझे नहीं लगता अब वो यहाँ पर आएगी। इतना पैसा खर्च कर चुके, डबल वसूल करेगा हमसे, अब हमारा बचना नामुमकिन है। बेटा वो जरूर आएगी, ये मेरी छठी नस बोल रही है। एक्सक्यूज मी, क्या ये पोस्ट चलेगा? अरे इज्जत औरत का गहना है, इसे पहने ही रखना है। जाओ जाओ, वेट फॉर मी। कपड़े संभालने के लिए मुझे क्यों बुलाती है? क्योंकि तू शक्ल से ही टेलर जैसा लगता है। ये तो बता तुझे क्यों लगता है कि वो आएगी? सुन गोचू, कैरम खेला है ना तू? क्वीन पॉकेट में डालने के बाद व्हाइट या ब्लैक कवर लेना पड़ता है। बेटा मैंने पहले ही कवर ले लिया है, क्वीन अपने आप आ जाएगी। तू कैरम खेलने की बातें कर रहा है? यहाँ कार्ड घस घस के पैसा पानी की तरह बहा जा रहा है। अगर हम असफल हुए ना तो फल की तरह हमें पिचक देगा वो नहीं आएगी। अबे लिंबू के अचार जरा सामने देख। ये तो आ गई, मतलब क्वीन पॉकेट में गिर गई, कवर क्वीन दोनों अपनी। गर्ल्स गेट रेडी, सबको प्रोफाइल देने बोल। Yes, done. फ्रेम से ज्यादा लंबी है, नेक्स्ट। छोटी है, पतली है। Come in, get out. Come, पीली चिली, दुबली है। जाओ, ये हिट है, नहीं फिट नहीं। मजा नहीं आ रहा है, बॉडी में मास नहीं है, हड्डियाँ दिख रही है, हड्डियाँ। अरे मॉडल है, गोश की दुकान थोड़ी। हाँ इसको फ्रेम में आने दे, अच्छी लग रही है। कौन है ये? कॉकरोच मॉडल मिल गए, इसे फाइनल करते हैं। लाइट चेक कर। लाइट एकदम ब्राइट है। मेरी दोस्त है ये। अच्छा? थैंक यू, आप कितनी अच्छी हैं। हमें ऐसी सुंदर मॉडल चाहिए थी, कल वाली बहुत ही फीकी और नकचड़ी थी। अरे ओ नैनसुख, वो मैं ही थी। सवाल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। नहीं मित्र, वही है। चुप शेफर्ड। हाँ ठीक है, नहीं है ये। अरे सच में ये वही लड़की है? एक साड़ी पहनने से ये कितनी निखर गई है। मैंने तो तुमसे कुछ कहा, बोलो ना। I really love you, Chandu. एक और प्रेम की पुजारन, आओ पूजा कहीं और करते हो। ब्लाउज का पोल्का डॉट, उसने सिर्फ 50 यूरोस दिए। बॉय किसी आर्टिस्ट के पैसे खाने अच्छी बात नहीं है। बोला था ना नेक्स्ट प्रोजेक्ट में दे दूंगा। पैसे किस चीज के? आपको तो पता है कि इंडस्ट्री में कोई कन्वेंस नहीं देता, हम देते हैं। अब 500,000 से मेरी कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाउ स्वीट। चक्कर देखो। अब बधाई और मुबारक दोनों हो, आप कॉकरोच एड के लिए सिलेक्ट हो चुकी हो। पहले शूट कीजिए, पैसे की बात बाद में करते हैं। एग्रीमेंट? यहाँ मुझे लगा ये। सवाल ही नहीं उठता तुम्हारी इस घटिया एड में काम करने के लिए, या तुम्हें खुश करने के लिए मैं ये साड़ी पहनकर नहीं आई हूँ। बस तुम्हें दिखाना चाहती थी और दिखा दिया, चलो चलते हैं। क्या परफॉर्मेंस है, फंस गया। यही सुपर मॉडल बनने की निशानी है। क्यों चमचे? मैंने कहा था ना। याद तो नहीं है पर हाँ कहा तो होगा। आपको कैसे पता चला? अनुभव मिस टोपी, कैमरे के फ्रेम में आते आते कहीं मेरे दिल के फ्रेम में ना आ जाए, इस बात से डरती है। मैं आऊंगी, भूल जाओ। सपने मत देखो कॉकरोच। पहले दिन ऐसे ही अकड़ती है, सेकंड डे थोड़ा सा झुकती है, थर्ड डे खुलती है, फोर्थ डे सहेली से पूछती है, फिफ्थ डे खुद से पूछती है, छठे और सातवें दिन फ्लैट हो जाती है। लड़कियों का हिस्सा भी मुर्गियों की तरह होता है, पहले तो मुर्गे को अपने पीछे भगाकर थका देती है,
फिर जाकर कोने में बैठ जाती है। तुम मुर्गा हो सकते हो, मैं मुर्गी नहीं हूँ। तुमसे प्यार करूं, इतने बुरे दिन नहीं आए हैं। तो फिर एग्रीमेंट साइन करो। हाँ, यहाँ ए बेबी, हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक हफ्ते का है। इस एक हफ्ते में तुम मुझे आई लव यू बिल्कुल नहीं कहोगी। ये कंडीशन नंबर 10 है, ध्यान से पढ़ लो। उसकी जरूरत नहीं, मुझे खुद पर पूरा विश्वास है। और एक सप्ताह में तुम भी जान जाओगी। चलो प्रिया, चलते हैं। मैं सुंदरता की देवी, जिस दिन हम लड़के मर गए ना, तो तुम्हें कोई पूछने भी नहीं आएगा। हम लड़के तुम्हारी जिंदगी का ऑक्सीजन है। ये मन में हंस रही है रे। कैसे मरा ये? छानबीन चालू है, हम जल्दी ही पता कर लेंगे। मुझे लगता है इसकी मृत्यु 5 दिन पहले हुई है। लगता है किसी ने गोली मारी है इसे। क्या हुआ भाई? ये 5 दिन पहले मरा था और 5 दिन पहले ही इसने मुझे भूचाल के यहाँ से कॉल किया था। मतलब ये हमारा आदमी है, ये बात भूचाल को पता लग गई। उस दिन भूचाल ने इसे गोली मारी या फिर डॉन चंदू को, ये बात पता लगाना जरूरी है। उस डॉन चंदू के बारे में सब पता लगाओ। उसका परिवार, उसके रिश्तेदार, उसके मित्र, उसकी पूरी कुंडली चाहिए मुझे। हाय दीप्ति, क्या हुआ? दिल का कंट्रोल खो दिया? अभी तो 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए। मिसिंग मी? बड़बड़ मत करो बड़बड़िया। आज मेरा जन्मदिन है, पार्टी में बुलाने के लिए फोन किया है। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया और धन्यवाद। जन्मदिन की पार्टी मैंने आज शाम को रखी है, ठीक 8 बजे। दोस्ती खाते में ना, जो चाहे समझ लो। बाय। तुम्हारा बर्थडे तो 6 नवंबर को होता है। हाँ, पर मैं आज ही पार्टी देना चाहती हूँ। अच्छा, तुम्हारा प्लान क्या है वैसे? जाने से पहले उस चंदूलाल की सारी अकड़ निकालना चाहती हूँ, इसीलिए ये नौटंकी। मैं तैयार हूँ। सवारी कहाँ चली? कहाँ चली मतलब, तुमने आज पार्टी रखी है ना? ओह, कैसी पार्टी? कोई पार्टी वार्टी नहीं है। तो फिर उस चंदू को क्यों बुलाया? उस चंदूलाल को मजा चुखाने के लिए। फोन मत उठा। अरे, अब क्या कहोगी उसे? कुछ कहने की जरूरत नहीं। तुम्हारा प्लान क्या है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अनदेखा करना, जिससे उसे परेशानी होगी। उस कॉकरोच का सर कुचलने का यही एक बढ़िया तरीका है। अब इस खेल में मैं ही जीतूंगी, देख लेना। अनदेखा करो। दूर से तो देख सकते हैं ना। जन्मदिन किसका है? तुम्हारा। इसीलिए तुम मुंह बंद रखो, मैं सोने जा रही हूँ। दीपू, उसने तुम्हें 20 बार फोन कर दिया है। लगता है पूरी रात वहाँ रुका था। जो मैं चाहती थी वही हुआ, अब आएगा मजा। लगता है वही आया है। अब क्या कहोगी उसे तुम? माफी मांग लूंगी। हद है यार। कौन है? अरे यहाँ तो कोई नहीं है। दरअसल बात यह है, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपका अपराधी हूँ। वेरी सॉरी, सो सॉरी। अपराधी और डबल सॉरी क्यों? गलती मैंने की, इसलिए माफी मांग रहा हूँ, है ना बॉय? हाँ, पापी प्रायश्चित करता है। अरे, ऐसी क्या गलती कर दी आपने? अरे, आपने इतने प्यार से पार्टी में बुलाया और हम नहीं आए, ये गलत नहीं है? आप नहीं आए थे? कल एक बड़े बजट का काम आया था ना, इसलिए नहीं आ पाया। ये बात बताने के लिए फोन किया था, आपने उठाया ही नहीं। आप शायद नाराज होंगी मुझसे। नहीं, ऐसा कुछ। आपका चेहरा साफ बता रहा है, आपने रात से कुछ ठीक से खाया पिया भी नहीं, है ना प्रिया जी? तुझे कुछ कहना है? मैं क्या कहूँ, इनका चेहरा कह रहा है। ओ, बस करो। ठीक है, शांत शांत। कल सुबह 10 बजे हम टूर पर जा रहे हैं। ये लीजिए टिकट। मैं भी आऊँ? लगता है उसने दिल पे ले लिया। हाँ, वही तो। बेवकूफ पागल लड़की, उस कॉकरोच से हार जाती है। सोच, इस बार कुछ अच्छा सोच। खूबसूरत फूल, एक कमसिन फूल के लिए। धन्यवाद। और तुम भी हमारे साथ घूमने चल रही हो ना? आऊंगी तो झंझट होगी। इसमें झंझट कैसी, आप आएंगी तो मजा आएगा, है ना बॉय? उनके साथ प्रोफेशनल संबंध है, आपके साथ पर्सनल है। वो नहीं आएगी तो चलेगा, लेकिन आप नहीं आएंगे तो ट्रिप कैंसिल। ठीक है। तुम्हारे गाल इतने लाल कैसे लग रहे हैं? मेकअप किया है या बात कुछ और है? श्रीमान चंदू, मैं टूर पर आऊंगी, पर मेरी एक शर्त है। मंजूर है। मेरी इस सहेली को भी साथ में लेना पड़ेगा, वरना ये एड कैंसिल। इन्होंने तो पहले ही टिकट दे दी है। कल सुबह 10 बजे ना धोकर आना। हाँ।
एक छोटा सा तोहफा तुम्हारे लिए। बाय बाय। जब देखो उसे छोड़कर तुम उसकी सहेली को इतना महत्व क्यों देते हो कुछ समझ में नहीं आया। ये दिमाग का खेल है। लड़की के दिमाग की वो तार छेड़ो कि बराबर से सुर निकले। शायद वो इस गुरु के बारे में नहीं जानती जिसकी बंसी की तान से सारी गोपियाँ झूम उठती हैं। दिल की महफिल में न जाने या गालिब तूने क्या किया। आए इसके आगे की लाइन मुझे याद नहीं। वाह मतलब मुझको क्या मालूम, गालिब जी की याद आई इसलिए बोल दिया। ट्रेन पकड़नी है। तुम्हारी सीट यहाँ पर है। मैं यही ठीक हूँ। अगर वहाँ बैठी तो हो सकता है इनके दिल का परिंदा मुझे देखकर फड़फड़ाने लगे। यहाँ हमारे बॉस का नाम च से ऐसे शुरू नहीं होता। ये चुंबक है, किसी को भी अपने पास खींच लेते हैं। दबा दूंगी। क्या तूने हार मान ली जो उसे इतना दूर बैठी हो। अब तो बाजी मेरे हाथ में है। मैंने पैतरा नंबर 2 आजमाना शुरू कर दिया है। देखती जाओ। इस कॉकरोच पर कीटाणुनाशक डालना शुरू कर दिया है। हाँ भूचाल भाई बोलिए। चंदू काम कहाँ तक पहुँचा। ट्रेन का आरएसी कंफर्म हो जाएगा, वो सामने ही बैठी है। काम हो रहा है ना। एक हफ्ते में काम हो जाएगा। क्या तू कर पाएगा। एक्सपर्ट हूँ। चल फटाफट काम कर दे। उस नर्सिंग को डाउट भी नहीं होना चाहिए, वो सब कुछ कुरेद के निकालने वाला कीड़ा है। भूचाल भाई फिक्र मत कीजिए, मैं कार्य पूरा करके आऊंगा। भूचाल था। हेलो भैया कैसे हैं आप। मैं भी ठीक हूँ। मैं परीक्षा की तैयारी कर रही हूँ। अभी 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 मैं अपनी सहेली को पढ़ा रही हूँ। बाय। आपको भाई भी है। हाँ और वो बहुत क्रोधित है। ये ना अपने भाई से बहुत डरती है। डरती है, उनको सिंग लगे हैं क्या। वो क्या है। IPS है वो। IPS मतलब इंडियन पेट्रोल सर्विस ही ना। वो पूरी दुनिया को अपनी छोटी उंगली पर नचाते हैं। हाँ पापा मैं यूरोप पहुँच गया हूँ। मेरे पास पासपोर्ट नहीं है और अभी तक किसी ने मेरी चेकिंग भी नहीं की। भौजू पैर अंदर कर। क्या मूंगफली है यार। बिल्कुल सही कह रही है तू। ये सीट बहुत नरम है। हे। ओ, 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 अरे नहीं यहाँ तो बहुत काटे हैं। मैं कहाँ बैठूं। यहाँ बैठ जाइए। आप ठीक तो हैं। आप हिंदी बोल रही हैं, आप भी इंडियन हैं क्या। इस अंधे की मदद करने के लिए मैं ऊपर वाले के हाथ जोड़ता हूँ। आशीर्वाद के लिए पैर पकड़ते हैं। कितना बदनसीब हूँ मैं, बाहर के नजारे भी नहीं देख पा रहा। अंदर के नजारे भी कुछ कम नहीं है। ओ नैनसुख ऊपर नहीं इधर। हेलो जब हमें कोई आपत्ति नहीं तो तुम्हें क्या है। बेचारे के पास नेत्र भी नहीं है। तुम्हारी आवाज़ कितनी मधुर है। कौन सी कक्षा में पढ़ती हो बच्ची। बच्ची नहीं है वो, थोड़ी बड़ी है, 16 साल की। अरे नहीं मैं 20 साल की हूँ। नहीं नहीं 16 से एक दिन भी ऊपर नहीं लगती हो। क्यों रे बाली उम्र की। हाँ सूरदास तेरा नाम क्या है। छतरी, राजू छतरी। छतरी ये कैसा नाम है। ये उपनाम हमें हमारे दादाजी ने दिया है। वो कभी किसी को भीगते हुए नहीं देख सकते थे इसलिए हमने छतरी का बिजनेस खोल दिया। और विवाह किससे करोगे। रेनकोट वाली से। पूरे खानदान का छाता यहीं गाड़ने का इरादा है। नहीं मैं तो यहाँ घूमने आया था। बिना विजुअल के घूमोगे। हाँ सर आप लोग आँखों से यूरोप देखते हैं और मैं अपने मन से ये रूप देखता हूँ। कितनी अच्छी बात है, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। ऊपर वाले ने आँखों की रोशनी नहीं दी है लेकिन जो देखना है वो बराबर देख लेता हूँ। आपके विचार कितने नेक है छतरी। इंडिया से यूरोप बस में है या ट्रेन से। जेब में सिर्फ 80 रुपए थे, सोचा कि कुरमुरा खा लेता हूँ लेकिन जिस पुड़ी में बंधा था वो यूरोप की टिकट निकली। मैं गरीब तो कभी अपना मोहल्ला भी नहीं घूमा और आज मैं यूरोप के मेट्रो में बैठा हूँ। मैं लोकल ट्रेन में छतरियाँ बेचकर अपना पेट पालता था। कभी बिकती तो कभी नहीं बिकती, ये तो सुपर वाले का आशीर्वाद है मुझ पर। हाँ? कि आज मैं ये दिन देख रहा हूँ। आपकी कहानी बहुत दुखद है। आप फिक्र मत कीजिए छतरी जी। सीधी तरह पीछे बैठ। इनके ट्रिप का पूरा खर्चा मेरा। ये क्या नया झोल कर रहा। ओ माँ का फोन आया। अच्छा माता श्री। हेलो माँ। मैं अच्छा हूँ माँ, तुम कैसी हो। हाँ काम खत्म होते ही आ जाऊंगा। क्या कहा। शादी तुम जिससे कहोगे उससे कर लूंगा माँ। कैसी चाहिए कैसी चाहिए। ए जरा सुन। अरे पीछे खड़ा के बैठ, चिपक कर बैठने की आदत है। प्रिया जी स्माइल प्लीज, चमकीले दांत। माँ मैं एक फोटो भेज रहा हूँ, खूबसूरती में आधी भी हो तो चलेगा। कैसी लड़की नहीं चाहिए। एक मिनट माँ। दीप्ति जी एक मिनट, जरा ऐसी रहिए, हिलिए मत। माँ एक और फोटो भेज रहा हूँ,
ऐसी बंदरिया तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। पायलागू पहू ढूंढ रही है। अच्छा। अबे ओ कॉकरोच में बंदरिया दिखती हूँ क्या तुझे? देखना है तुम्हारा चेहरा बंदरिया से कितना मिलता है। देखो। आ बापरे। प्रिया ये तुम्हारी फ्रेंड इस तरह से नाराज क्यों होती है? लगता है तुमसे जलती है। प्रिया जी आप सचमुच इतनी सुंदर हैं। क्यों श्रीमान मन की आंखों से दिखाई नहीं दिया? दिखा दिखा। प्लीज आप लोग इनका मजाक मत बनाइए। चलिए। अरे मित्र ये नेत्र ही नहीं है। मुझे भी पता है तू बस देखते जा मैं क्या करता हूँ। और तड़पाओ इनको। मैं बताता हूँ बताता हूँ। अब इनको बाहर निकालो सब उगलेंगे ये। ए, इस फोटो में जो आगे खड़ा है वो तू ही है ना? चल बता। अबे तू हकलाता है क्या? चल जल्दी बता। अरे वो के आगे बता बोल। वो भूचाल के वहाँ काम करता है सर। अबे जो भाई को पता है वो क्यों बता रहा है? जान प्यारी है तो भाई के सामने सच उगल दे। वो विदेश गया सर, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं मालूम। भूचाल ने उसको भेजा सर। उस भूचाल ने चंदू को जरूर कोई बड़ा कांड करने के लिए विदेश भेजा है, और वो काम कुछ ऐसा है जो उसके खास आदमी भी नहीं कर सकते। पता लगाओ वो काम क्या है। ए तू पोज मत दे। ए नॉन एक्टर क्या कर रहा है? पीछे खिसक। कहां से आ जाते हैं? ए पेंसी मॉडल चल पीछे हट। चीख लो कहीं का। ए उसका ध्यान रखना। ए फिर से कौन आया रे? वही है मित्र। अरे बर्फीले भालू पहले बिचौलिया था क्या? बार-बार बीच में आ रहा है। बैठने के लिए जगह ढूंढो। अबे रेंडियर जा इग्लू में जाकर बैठ जाएगा। यहां पे टिक के बैठ गया। हां ओके रेडी छतरी उधर क्या बर्फ गिर रही है। थोड़ा एटीट्यूड बाहर निकालो। ठीक है ठीक है जा रही हूं। कड़क ये रंग आप में बहुत जचेगा। हटाओ इसे। तो ये वाला भी कुछ बुरा नहीं है। मत करो सूरज बकवास है। सुनो क्यों नहीं पहन रही? मुझे ऐसे वस्त्र पसंद नहीं। मैं चाहता हूँ तुम हिंदुस्तानी वस्त्र पहनो। मैं भी देशी पहनूंगी। कॉन्ट्रैक्ट भाड़ में जाए तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट। अबाउट टर्न। ये तो शुरू होते खत्म हो गया। ये होते हैं। ये पूरब है तो वो पश्चिम है। खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। मेरे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं। ये गोल गोल क्या है? खजूर है। खजूर गोल कब से हो गया? क्यों नहीं खाना है? यहाँ दो दिन तक खाने को कुछ नहीं मिलेगा। ए तो खा ले रे। नहीं नहीं मैं खा लेता हूँ। लेकिन खुशबू से तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर तंदूरी है। तू नसीब वाला है तुझे सूंघने तो मिल रहा है। सुगंध से पेट भरा? हाँ भर गया। मेरा खजूर कहाँ गया? शेफर्ड खा गया। क्या यार मैं ये लोगों को बना रहा था और ये लोग मुझे ही बना रहे। क्या मंगवाओ बताओ? ये देखो मुझे नहीं पता। प्रिया जी छत्री जी आप ठीक तो हैं? गलती। आप पैसे चाहिए तो मुझसे लीजिए। चुप रहो चंदू मेरा बैग चोरी हो गया है। हूँ ना वैसे भी उस बैग में क्या था? क्या था उसमें? उस बैग में मेरी स्वर्गीय माँ का लॉकेट है। मेरे पास मेरी माँ की वो आखिरी निशानी थी वो भी गई। पर माँ के प्यार को तुम क्या समझोगे? तुम तो प्यार को खेल समझते हो। गुड इमोशन। चिकन खा ले वरना मुर्गी उड़ के भाग जाएगी। मैं क्या करूँ मुझे वो चाहिए। अब क्या कर सकते हैं? Thank you.
इतिहास गवाह है कि आजादी से लेके आज तक हम मर्द औरतों को इज्जत देते आए हैं, लेकिन कुछ औरतों को इज्जत हजम नहीं होती। सिगरेट दारू होठों से तुम लगाओ, बदनाम हमें करो। भले हिंदुस्तान ना हो, लेकिन मैं तो हिंदुस्तानी हूँ। माँ के नाम पे रिस्क लिया, वरना लड़कियों की मदद नहीं करता। जलपरी, इडियट, आंखें सेक सकता हूँ लेकिन छू नहीं सकता। अरे छत्री जी, आप यहाँ पर अकेले बैठे हैं। क्या करूँ, अंधा हूँ, किसी ना किसी के सहारे की जरूरत तो पड़ती है। आप लोग कहाँ चले गए? अब ट्रेन भी गई, अब क्या करेंगे? इधर भाड़े पे गाड़ी मिलती है तो चलो। माफ कर दो चंदू। माफी किस बात की? अब वो क्रोध में आकर ज्यादा बोल दिया ना, इसीलिए। इसलिए तो कहते हैं क्रोध इंसान का दुश्मन है। अगर मैं उन सबको देख सकता ना, तो उनकी आंखें निकाल कर मैं गोटियां खेलता। वो तुम्हें देख लेते तो देश से बाहर निकाल देते। देखो बॉय, तुम छतरी जी को कुछ मत बोलो। आजकल की मॉडर्न औरतें सही मर्द पर नहीं, गलत मर्द पर हाथ डालती हैं। कहीं आप तो वो गलत मर्द नहीं हो? तो जा। ओहो, गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया, इसलिए यहाँ पर आकर रुके हो। फंस गया, तुम्हें कैसे पता चला? मैंने सुनकर अंदाजा लगा लिया। ओहो, आप कितने समझदार हैं छत्री जी। थैंक यू प्रिया जी। अब प्रिया जी, वो क्या है ना, मुझे बहुत जोर की सुसु आई है, तो क्या आप मेरी मदद करेंगी? आजा, मैं करा देता हूँ। आजा, चेन अटक जाए तो खोल के देना। घबराओ मत, फ्लश भी करूंगा। वैसे भैया, हम जा कहाँ रहे हैं? तेरी सोच छोटी है ना, इसलिए शौचालय लाया हूँ, चल कहीं भी कर ले। तो हम बाथरूम पहुँच गए? कब के, दरवाजा बंद करके बाहर खड़ा हो जाता हूँ। इसने तो मुझे बीच रास्ते पे खड़ा कर दिया। अरे बाप रे, तुमने तरफ से मेरी बचने वाली है, अब मैं क्या करूं? बचाओ! छतरी, अधूरा काम छोड़ के कहां भाग रहे हो? वो तो अच्छा हो कि मैं सही टाइम पर भाग गया, वरना ये बस मेरी चटनी बनाकर चली जाती। ओहो हो, तो वो वाला शौचालय कैसा रहेगा? मुझे नहीं करना, मैंने अपना मूड चेंज कर दिया है, कल ही करूंगा। प्रिया जी। अरे बाप रे, खून है चंदू, तुम्हारे हाथ से खून बह रहा है। अरे ठीक है। ऐसे कैसे ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। अरे देखो, डॉक्टर मत बुलाना। चंदू बहुत खून बह रहा है, इसे पकड़ो। हाँ, सब मेरी वजह से हुआ। तुम बेकार में चिंता कर रही हो। इतना खून बह रहा है तो चिंता तो होगी ना। सुनो। हुँ? क्या हुआ चंदू, कहीं और भी चोट लगी है? आभार। वाह, सफलता ज्यादा दूर नहीं है, जान बच जाएगी।
तो महिलाओं, अपना शूट हो चुका है, कल से अपने अपने रास्ते। वाह, इस खुशी के मौके पर मैं आप सबको एक दावत देना चाहती हूँ। हम दोनों को जो सुखी दावत दी थी वैसी वाली क्या? नहीं वैसी तो नहीं, आज रात को 8 बजे पक्का पार्टी होगी। उपहार देना जरूरी है? हाँ बिल्कुल। ओ हाँ, खुश खबरी, इसके अंदर के अंधकार को उजाले में तब्दील करने की दवाई मिल गई है। क्या सच में? अरे वाह, कुछ भी फेंक रहा है। ये तो सच में अच्छी खबर है, पर कैसे? इन मिर्चियों से, इसमें नेत्र प्रभा की शक्ति है। इस मिर्चियों के रस में तेजाब की 2 बूंदें मिलाकर नेत्र में डालने से उजाले का छत्र खुल जाता है। आंखों में मिर्ची डालेगा, लग गई। तो फिर नेक काम में देरी कैसी? लेकिन मेरे पास इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये बड़ा खुदार है, फ्री भी हजम नहीं होगा, इसलिए जबरदस्ती करनी पड़ेगी। मैं डॉक्टर बनूंगा, आप ना? हाँ, बन गई। देखिए, ये मेरी आंखों का सवाल है, मैं इस तरह से चांस नहीं ले सकता। सी यू, टाटा, बाय बाय। मेरा सालों का अनुभव है। ऐसे ही बैठना, मिर्ची आंखों में जाते वक्त टूटनी नहीं चाहिए, वरना जलेगी। और अगर टूट गई तो उन्हें चूस के खाना नहीं पड़ेगा। चाहिए आंखें। प्लीज छत्री जी, मान जाएंगे जाएंगे छत्री जी। इनका चक्षु ढकू यंत्र निकालिए, इसका टोपा काट। ये तो ज्वालामुखी है, ऐसा मत कीजिए। करूंगा, आंखें चली जाएगी। जाएगी नहीं, वापस आएगी। अरे पागल, इसे हटा यहाँ से, मेरी आंखें सही सलामत है, मैं देख सकता हूँ। इंक्वायरी कमीशन को सब शुरू से आखिर तक बताइए। कहाँ से बताऊँ? मैं कोई अंधा बंदा नहीं हूँ, वो तो इन तितलियों को देखकर मैंने सब नाटक किया था। मेरी आंखें टकाटक सब देख सकती हैं। आज्ञा हो तो मैं भी एक मामले में कर ले। मन की आंखों से देखता है। मतलब उस दिन जब हम कपड़े बदल रहे थे, देख लिया था। मुझे भी देखा था क्या? भी देखा था, लेकिन मैं पूरा नहीं देख पाया था। आइंदा कभी मेरे सामने प्रकट हुए ना, तो ये मिर्चियाँ तुम्हें खिला दूंगी। दीप्ति जी, आपका ये मर्दाना रूप देखकर मैं अंदर से हिल गया। चाहे विदेश में कितना भी घूम लो, समय आने पर हिंदुस्तानी बनना ही पड़ता है। ऐसी औरत रहे ना तो घर पर कभी डाका ना पड़े। आपने भारत देखा है? Hey, what is your problem? No problem. थस्ती करो, ड्रिंक। ज़्यादा मत चिपक, उसे गुप्त रोग है। चल। अच्छा, क्या ये जरूरी है कि तुम बियर पियो और हम लोग जूस पिए? ओह, आज की नदी। ये नरम रखो और कड़क लाओ। ये क्या है? सच उगलने की दवाई। इसके अंदर जाते ही चाहे कितना भी बड़ा सूरमा हो, सच बोल ही देता है। इससे चंदू को कुछ होगा तो नहीं दीप्ति? क्यों, उसकी चिंता हो रही है? कुछ भी मत बोल। वो लंगूर मुझ पर लट्टू है, पर इतनी आसानी से बोलेगा नहीं। इसका जादू चलते ही सारा सच अपने आप बाहर आ जाएगा। अरे गिराना मत, महंगी है। इतने सारे ग्लास, इतने सारे किसके लिए? हमारा एक एक से काम बन जाएगा। लेकिन आजकल लड़कियां ज्यादा टल्ली होती है। टल्ली होने के बाद एंजॉय करेंगे। घर जाकर। ये तुम्हारे लिए। ओह धन्यवाद। बोलो जय महेश माते। अलग ही झटका लगा। असली सोमरस। श्रीमान चंदू, आप ठीक तो है ना? ठीक हूँ, लेकिन ठीक नहीं। क्या आपका दिल आज तक किसी लड़की पे नहीं आया, या किसी ने घास नहीं डाली? कभी भी नहीं किया, मेरे से कौन प्यार करेगा? 40 पार कर लिया मैंने। नशा मुक्ति केंद्र पास में ही वहाँ पे चलते हैं। जल्दी क्या है तुझे? बिल ये भरने वाली है ना? और जिसने आपको आई लव यू कहा था वो कौन थी? वो तो बर्थडे आर्टिस्ट थी, कन्वेंस पे मान गई। वो क्या है ना, बम्बई में आदर्श नगर में ये कास्टिंग डायरेक्टर है यार। मित्र चलो, ये मजाक कर रहा है। गुस्सा मत दिला, तेरा भांडा फूट रहा है इसलिए तू। अच्छा, कहाँ घर लेकर गया है? श्रीमान चंदू, आपने ऐसा क्यों किया? सिर्फ तुम्हें पाने के लिए, ताकि तुम मेरी बन जाओ। क्या कहा? तुम्हें प्यार की कश्ती में बिठाने के लिए मैं गहरे नाले में उतरा, ये बता ना रे भाई। पर तुम तो दोस्ती कह रहे थे। वो सब नौटंकी थी। तुमने कान की बालियां जानबूझ के निकाली थी क्या? और मेरा बैग का चोरी होना, और वो मारपीट, वो एकदम रियल था, हीरो वाला शॉट, ना ड्रामा ना दिखावा। तुमने उसी दिन मुझे अपना दिल दिया और प्यार की शुरुआत हुई। तुम भी ड्रामेबाज, मैं भी ड्रामेबाज, आ जाओ मेरे पास। मैं स्टैचू ऑफ यूनिटी पर चिल्ला कर कहूंगा आई लव यू, आज से तू मेरी बीवी और इसकी भाभी चलेगा। अरे संभल के मित्र। दीपू, इतना परेशान क्यों हो रही हो? अरे क्यों ना हो, उस
कॉकरोच को मेरी सच्चे दिल से चाहता तो जानती है ना। वो भी तो तुम्हें सच्चे दिल से प्यार करता है यार। इतना सब कुछ होने के बाद भी ऐसा कह रही हो। तुमने जिस ग्लास में दवाई मिलाई थी उसने उस ग्लास से पिया ही नहीं, मैंने खुद देखा था। ओ, धन्यवाद। बोलो जय महेश्वरी। आजकल लड़कों वाला आइडिया लड़कियां आजमा रही है। मैंने उसे क्लास में नशीली दवा मिलाते हुए देख लिया था, लेकिन मैंने वो नहीं पिया। तो सत्य बोल के सत्यानाश क्यों कर दिया? उसने नाटक करके तुम्हें सारी सच्चाई बता दी। अगर उसने तुम्हें धोखा देना ही होता तो तुझसे ये सच हमेशा छुपा के रखता। मैं प्यार की इमारत पर धोखे की सीमेंट नहीं चढ़ाना चाहता। विश्वास करो, वो तुमसे सच्चा प्यार करता है। वो सच में बहुत अच्छा लड़का है। अब उससे कहोगे क्या? मन की बात। अक्सर धोखा देने वाले नजरें चुराया करते हैं, सच्ची मोहब्बत करने वाले नहीं। तुमने अपना हाले दिल तो कल रात को मुझसे बयां कर दिया, लेकिन मेरे दिल में क्या है वो मैं बता दूं? I love you, Chandu. भाई, ए, भाई कहाँ हैं? ऊपर छत पर हैं। भाई, क्या हुआ? वो चंदू, अरे वो डॉन चंदू। वो कहाँ है, कुछ पता चला? पता चल गया भाई, उस भुजाल ने आपकी बहन से प्रेम का नाटक करने के लिए उस चंदू को जर्मनी भेजा है। किसी भी ऐरे गहरे के प्यार में पड़ जाए मेरी बहन ऐसी नहीं है। वो नरसिंह की बहन है। छोड़ूंगा नहीं चंदू को। ये खबर कहाँ से मिली तुझे? बाहर छाछ के ठेके पे मैंने एक आदमी को ये बात करते हुए सुना था भाई। भूल कर दी भूचाल ने, बहुत बड़ी भूल कर दी है उसने। नरसिंह को ललकारा है उसने। मेरी बहन मेरा गुरूर है, मेरा गुरूर है मेरी बहन। भूचाल मुझे नहीं जानता, बहुत बड़ी कीमत चुकाएगा वो। मैंने सुना है कि चंदू आपकी बहन को लेकर शमशाबाद पहुंचने वाला है, और वो भी कल के कल। शमशाबाद नहीं, मैं उसे सीधा शमशान पहुंचा दूंगा। जैसे ही चंदू बाहर आए उसे देखते ही उड़ा देना। जाओ। अबे जर्मन शेफर्ड, ये नाम सिर्फ विदेश में। हिंदुस्तानी जमीन पर लौट आए। गरीब आदमी प्लेन से उतरने के बाद भी उसका मजा लेता है। आ गई लेकिन दूल्हा नहीं दिखा। अरे आ गया दूल्हा। लेकिन दुल्हन नहीं दिख रही है। ये तो मेरी बहन है। ढूंढ निकालो उसको। किधर है वो, किधर है मालूम करो। नहीं उठाऊंगा, बिल्कुल नहीं उठाऊंगा। मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं बालपन से ही भूचाल भाई की सेवा कर रहा हूँ, पता है तुम्हें? जो बोला वो सब किया, और मुझे हटा के उस कल के आए हुए चंदू को सर पे बैठा लिया, इसलिए मेरी सटक गई। अरे जमीन खा गई क्या? अरे वो फोन नहीं उठा रहा है। क्यों नहीं उठा रहा है? मुझे बहुत बुरा लगा,
इसलिए उस चंदू को नरसिंह की बहन के बदले भूचाल की बहन दिखाई और उसने उसको फंसा लिया। अब आएगा मजा कहानी में। अब भूचाल भाई उस चंदू की सारी डॉनगिरी निकाल देंगे और मेरा रास्ता साफ। मैं फिर से उनका खास बन जाऊंगा। अगर भूचाल को सच का पता चल गया तो? अगर उनको पता चल भी गया तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। हेलो, कौन है बे? क्रेडिट कार्ड नहीं चाहिए, रख फोन। ए, मैं तेरा बाप बोल रहा हूँ। सुबह के 10 बज गए और तू अभी तक चद्दर में घुसा हुआ है। 10 बज गए तो उठाया क्यों नहीं? वो बात ये है ना कि जर्मनी का साफ सुथरा खाना खा के तबीयत थोड़ी बिगड़ गई है। चिंता मत करिए, अब इंडिया आ गया हूँ ना, रास्ते की पानी पूरी खा के ठीक हो जाऊंगा। आप एयरपोर्ट क्यों नहीं आए? मैं नाराज हुआ। क्या मैं तेरा ड्राइवर? थोड़ा बिजी था इसके लिए नहीं आ सका। 4 बजे लौंडिया को गोलकोंडा किला के पास लेके जाओ। गोलकोंडा किला काय को? आपके घर ही लेकर आता हूँ। जो बोलता हूँ वही कार। हाँ ठीक है। क्या जीजा जी, आप भी उसको गोलकोंडा क्यों बुला रहे दीप्ति के साथ? उधर बुला के उसको क्या हुआ भैया, किसको जगह पे क्या? नहीं नहीं बेटा, वो तो मैं अमरीश पुरी की एक्टिंग कर रहा था। ऐसे भी थोड़ा कभी कभी मन करता है एक्टर बनने का। इसी तरह हंसाते रहिए भैया, फिर आपको कभी कोई रोग नहीं होगा। इसी को कहते हैं एंगर मेडिटेशन। आज से सब लोग एजिटेशन करना। एजिटेशन नहीं भैया, मेडिटेशन। हाँ वही मेडिटेशन। चलो गरम गरम भजिया खाते हैं पाव के साथ। नहीं भैया, मैं कुछ हेल्दी खाऊंगी फ्रेंड्स के साथ। ओके ओके बाय। ओके बाय भैया। जीजा जी, आपने चंदू को अभी फोन किया और उसे वहाँ बुलाने के लिए कहा और चंदू ने इसे इतनी जल्दी वहाँ बुला भी लिया। देखा वो चंदू कितनी पहुंची हुई चीज है। अबे मुंह बंद कर, कितनी बात आ रही है तेरे मुंह से। दांतों से दांत छिल गए मेरे। दीप्ति को क्यों नहीं पूछा आपने? क्या पूछता? अगर वो पूछती आपको कैसे मालूम, तो क्या कहता? सेटिंग मेरी थी। छी छी छी, भाई हो या ब्रोकर? ब्रो, दीदी आप ऐसा क्यों कह रही है? सही तो कह रही हूँ, बोलने में भी शर्म आ रही है। बाहर अपनी ही बहन की सेटिंग कर रहे हो? मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। सत्यानाश हो, चुल्लू भर पानी में डूब मरे, कभी भला ना हो। मैं ब्रो हूँ, ब्रोकर नहीं हूँ। मैं सीरियल की बात कर रही हूँ, आप क्यों गुस्सा हो रहे हैं? क्या डेली? हाँ, बहू भी कभी बहन थी सीरियल में। हीरो ने अपनी बहन का कहीं और चक्कर चलवाया था। ये लेखता की सीरियल देखना बंद कर, बोला था ना मैंने तेरे को। हाँ, आपको खाना नहीं दूंगी चलेगा, लेकिन सीरियल नहीं छोड़ूंगी। अरे आप दीदी को गोली मारिए। चंदू को वहाँ दीप्ति को लाने के लिए क्यों कहा आपने? उससे दीप्ति की आंखों के सामने मारूंगा, तभी दीप्ति को उसकी सच्चाई पता चलेगी और मेरे दिल को ठंडक पहुंचेगी। सुन, उसको सच बता देते हैं। मुझे तो डर लग रहा है, सच पता चला तो गए काम से। क्या हुसर हुसर कर रहे हो, जोर से बोलो। तुम उसे गोलकोंडा फोर्ट लेकर क्यों जा रहे हो? अरे उसे लेकर ना जाओ तो तुझे लेकर जाओ। अगर नरसिंह को इस बात का पता चल गया तो? पता चलेगा तब देखेंगे। उसे पता चल गया है। क्या कहा? पता चल गया? ये तुझे कैसे पता? तुम भूचाल के लिए काम करते हो और उसके काम के लिए विदेश गए थे, ये बात उसे पता है। उसे ये सब किसने बताया? हमने। तुमने? क्यों? क्यों मतलब क्या? उसने हम तीनों को बिना साबुन के इतना धोया कि मेरे मुंह से सब सच निकल गया। अबे तू अपना मुंह बंद नहीं रख सकता। माँ ने बचपन में ही बोला था, इसके साथ मत रह पुत्र, एक दिन मरवाएगा तुझे। वो आ गया दिन, जा रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं सुनना। सोनू को बुलाइए, हमें गांव जाना है। नहा धो के नहीं जाएगा? बगल वाले बंगले में नहा लूंगा। आ तुझे अपना बंगला दिखाता हूँ। कैसे दिखाएंगे? बहुत ही फुर्सत से। डॉन चंदू कहाँ है? क्या रे, कैसा लगा इंतजाम? ये तुझे बहुत अच्छे से धोएंगे और साथ में स्त्री भी कर देंगे। आज तुझसे मिलवाता हूँ, आ जा। अरे वाह, मैंने इन्हें कहीं देखा है। सब बाद में, यही रुको। भैया जी, भैया। ए स्ट्रीट डॉग, या मैं मारकर आरती उतारेंगे या आरती उतार कर मारेंगे। चाहे कैसे भी मारे, डॉन के लेवल की मौत होगी, अपना नाम होगा। क्या मनुष्य है, मरते वक्त भी लेवल की बात कर रहा है। उस दिन तेरा फोन उठाने से पहले ब्लॉक कर दिया होता तो ये दिवस नहीं आता। बाबर लगता जल्लाद आ रहा है। जाना पहले तू जाना। हाँ प्लीज। असली गन है रे। डॉन, मान गया तुझे। सुना तू लड़कियों के साथ सेटिंग बहुत जल्दी कर लेता है। ए हिलना बंद कर। और क्यों बे चिरकुट, गांव की बहुत याद आ रही है क्या?
अबे पीछे क्या देख रहा है? तेरे गांव जाने की टिकट मैं यहीं से तुझे कंफर्म करके देता हूँ, और सिर्फ तुझे नहीं तेरे साथ साथ तेरे दोस्त को भी ऊपर भेजूंगा मैं। रुक, हमारा कसूर क्या है? अबे चुप चुप, तेरा कसूर बताने के लिए मुझे कोई वकील या इस जगह को कोर्ट समझ रहा है क्या? दुग्गल साहब के बेटे को तो पीटा, लेकिन उससे भी बड़ी गलती, मेरी बहन को फंसाने के लिए तुम लोग जर्मनी गए। लेकिन आपकी बहन को तो नहीं फंसाया? क्यों गए? सामने फोटो देख। ए, तुमने मेरी बहन को नहीं फंसाया इसलिए अभी तक मेरे सामने जीवित खड़े हो, वरना वहीं एयरपोर्ट पर मैं तुझे समाप्त कर देता। एक बात बता, उस भूचाल की बहन तेरे साथ क्या कर रही थी? यानी भूचाल के धन से उसी की बहन को पटा लिया? मुझे भी अभी अभी पता चला। मतलब अपनी मृत्यु उसके हाथ लिखी है? चल वहीं चलते। ए, मन ही मन में क्या खिचड़ी पका रहे हो तुम दोनों? बताओ। मैं यहाँ डॉन बनने आया हूँ। आपका नाम सुना था, आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन उसके यहाँ नौकरी की ताकि मैं आपकी गैंग में शामिल हो सकूं। उसकी गैंग भी मैंने आपके लिए ज्वाइन की ताकि वहाँ सब कुछ उगलवा लूं और यहाँ पर उल्टी कर दूं। बीच में मत आ रहे। उसने मुझे आपकी बहन को पटाने कहा। तेरी इतनी हिम्मत कि मेरी बहन को पटाने की बात कर रहा है मेरे सारे? अगर ये काम मैं नहीं करता तो कोई और करता, लेकिन ये जोखिम मैंने आपके लिए लिया। अगर उसको क्या बताया? बताया कि आपकी बहन के साथ टाका भिड़ा है। तूने मुझे बेवकूफ समझा है जो तू कुछ भी बोलेगा और मैं उसे मान लूंगा? यकीन नहीं है तो बहन से पूछिए, वो आपको सच बताएगी और सच के सिवा कुछ नहीं बताएगी। बहन के मुंह से सुन लूंगा तो विश्वास भी होगा और नाटक भी जारी रहेगा। आप इसकी बातों में मत आइए। इस महीने की 22 तारीख को दुग्गल साहब के बेटे के साथ मेरी बहन की शादी है, उसी दिन मैं तुम्हारी शादी भी करवाऊंगा। वो भूचाल अगर मुझ पर वार करता तो चल जाता, लेकिन उसने मेरे परिवार पर वार किया। मेरे परिवार पर हाथ डालने का अंजाम क्या होता है उसे पता चलना चाहिए। 22 तारीख को शादी, मतलब सिर्फ 10 दिवस बचा है। उसे मंडप तक खींचने के लिए आपकी बहन चुंबक का काम करेगी। क्या मतलब? मतलब आपकी बहन उसकी सहेली है ना, वो उसे यहाँ लाएगी। ए बोलना रे। हाँ, जब सहेली लड़की के कान भरती है तो वो हर बात मान लेती है। और इतना ही नहीं, भूचाल सिंह ने आपकी बहन को मुझे पटाने को कहा, कहा कि उसे बगीचा दिखा और फूल खिला, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। अगर सिर्फ मदद की बात है तो ठीक है, लेकिन अगर कोई ऐसी वैसी हरकत की तो तेरी मुंडी काट कर बीच बाजार में उसके साथ फुटबॉल खेलूंगा। आपकी बहन मेरी राखी बहन, मैं झूठ बोलूं तो आप मर जाए सर, ये समझाना। हाँ, और आपके सारे आदमी भी। ए, एक बात सब नोट कर लो, आज से चंदू मेरा खास आदमी है। सर आपसे ऊपर मेरी पोस्ट होगी ना? 10 साल से मुझे ये नहीं पता कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, और तुम्हें 10 मिनट में जानना है कि तुम क्या करोगे। देख चंदू, तेरा काम देख कर जल्दी मैं तुझे तेरी पोस्ट दे दूंगा। फिलहाल आज और अभी से तुम मेरी बहन के बॉडीगार्ड जाओ। धन्यवाद भाई। भाई अगर दुग्गल साहब को पता चल गया तो हमारी मृत्यु पक्की है। अबे तू अपनी तरह मुझे भी कमकल समझता है क्या? भूचाल की बहन के साथ इसकी शादी करवा कर मैं भूचाल को पागल कर दूंगा। चंदू को भूचाल ने नहीं मारा, ये बात दुग्गल साहब को पता चल जाएगी और तब मैं इसे मारकर दुग्गल साहब की नजरों में हीरो बन जाऊंगा। मैं इस शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। ये बात तो अपने भाई से मैं नहीं कह सकती, इसीलिए तो आपसे कह रही हूँ। तुम्हारी ये बात अगर मैंने उससे कही ना तो इस सुपारी की जगह इसमें वो तेरी गर्दन रखेगा। मुझे क्षमा कर दे। दादी माँ, दादी माँ, ये जीवन में कौन सा नया चक्कर शुरू हो गया? छोटे, उस बॉबी ने अपने को सही लड़की दिखाई थी क्या, या फिर देखने में अपने से गलती हो गई? अरे जिससे भी गलती होनी थी हो गई, अब ये सोचो इस गलती को सुधारे कैसे, क्योंकि कौन किसके साथ गेम खेल रहा समझ नहीं आ रहा। अरे बड़े से बड़ा गेम क्यों ना हो, मेरे को कोई टेंशन नहीं, दोनों डॉन मेरे हाथ में है। चंदू, इसने मेरी बातें सुन तो नहीं ली? वो कहे कि मैं ज्यादा जोर से बोलता हूँ ना। हाय प्रिया, अच्छी लग रही हो। चंदू तुम यहाँ कैसे आए? चल के आ गया। तुम मेरे भाई को जानते नहीं हो? अरे उन्होंने तो मुझे अपनी गैंग में रख लिया है। क्या कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम फोटोग्राफी का पैशन छोड़कर गुंडा बन रहे हो? तुम्हारे लिए प्रिया, कोई देख तो नहीं रहा? आई प्रेम यू प्रिया। अबे चूरन दे रहा हूँ यार। तुम मुझसे प्रेम, तो फिर दीपू से? अच्छी, तुमने ऐसा विचार कैसे किया? पहले दिन से मेरी नजर तुम पर गड़ी हुई थी और तुम्हारी नजर इसके कैमरे पे थी, इसलिए गड़बड़ हुई। कैमरे की जूम लेंस से मैं हमेशा तुम्हें निहारता था, इसने कई बार पकड़ा। क्यों? हाँ धर पकड़ा। सिर्फ तुम्हारी प्यार की पहली झलक देखने के लिए मैं तुम्हारे भाई की खूंखार गैंग में शामिल हुआ। अब मुझे अपने जान की परवाह नहीं है, तुम्हारी जान की परवाह है, क्योंकि मेरी जान तुम्हारी जान में अटकी है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम मेरी फ्रेंड को? वो सब तुम जानो, मैं तुम्हें जानता हूँ। प्यार में धोखा देना आजकल का चलन है। तुमने खाया ना धोखा? वैसे मैंने भी खाया है। हम उसे पकड़ कर बैठे रहेंगे तो कैसे चलेगा? तूने खाया क्या? बहुत धोखे खाया, फल सब्जी सब कुछ। मुझे थोड़ा टाइम दो प्लीज। थोड़ा नहीं, पूरा लो।
तब तक हम गहरे दोस्त बन सकते हैं। हाँ ठीक है। तो फिर चलो गोलकुंडा किला। वहाँ किस लिए? आत्महत्या करने के लिए। अरे तू जानता है ना पगले, वो सुमसान इलाका है, वहाँ कोई आता जाता नहीं है। बहू का डर निकालना हो तो उसे वहाँ ले जा, ये जिंदा माँ के आखिरी शब्द थे। माँ गलत हुई तो? पहली बार थोड़ी ना जा रहा हूँ, पहले भी गया हूँ। वहाँ प्यार का अटूट रिश्ता कभी नहीं टूटता। पहले भैया से तो पूछने दो। अरे वो देखना जा रहा है, पूछ ले। भैया। हाँ प्रिया। मैं चंदू के साथ बाहर जा रही हूँ। ठीक है बेटा। ए चंदू। हाँ बॉस। मैंने जो कहा था वो तुझे अच्छी तरह याद है ना? हाँ मैं हूँ ना, आप बेफिक्र रहो, जाओ जाओ। चल। प्रिया तुमसे एक दरख्वास्त है, दीप्ति को इस बात से महरूम रखना वरना वो मरहूम हो जाएगी। ठीक है। और हमारा प्यार? जब मूड हो बता देना। ए तू अपने रूम में जा, तुम अपने रूम में जाओ, मैं पीछे से आता हूँ। ठीक है। अबे गद्दार, नहीं नहीं, क्या किया तूने? नरसिंह की बहन के बदले तूने मेरी बहन को उसको दिखा दिया? अरे आज शूज क्यों पहने? उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आप हमेशा नरसिंह से बराबरी करते हो, वो जो करेगा आप वही करेंगे। उसने अपनी बहन को जर्मनी पढ़ने भेजा, आपने भी अपनी बहन को उसी कॉलेज में पढ़ने भेजा, वो दोनों दोस्त बन गए। मैंने उसकी बहन दिखाई थी लेकिन उसने पढ़ाया आपकी बहन को, अब इसमें मेरी क्या गलती है? तुम्हारी नहीं, सब जीजू की गलती है। अगर आपने ये काम मुझे दिया होता तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। एक नंबर का निकम्मा है तू, बस यही ताने देते रहते हैं आप। कुछ साबित करने के लिए जीवन में एक मौका तो दो। मेरे सिर्फ कपड़े ढीले हैं, अंदर से टाइट हूं। तो फिर डेमो दिखा। आज तू खुपचे में आ। अबे आपस में लड़ोगे तो दोनों को मार दूंगा। अरे भाई वो चंदू डबल ढोल की है, मुझे पहले से ही उसमें संदेह था। उसने ये सब जानबूझकर किया है। आज तो उसकी नरक लोक की टिकट कटवा ही दूंगा। जी जी, वो देखिए आ गया वो। चुप जा, आज मेरा निशाना खाली नहीं जाएगा। ये तो नरसिंह की बहन को संग लेकर चलो तो भाई। ये मेरी बहन नहीं है। अच्छा हाँ। देखो देखो देखो, ये कैसे हुआ? अबे तेरी घंटी बज रही है। मेरी नहीं, आपकी है। हाँ, ओ, उसी का फोन है। बात कीजिए बात कीजिए। वो चल गोलकोंडा में हो तू? कौन से कोंडा में? एनाकोंडा में। मैं भी गोलकोंडा में। नहीं नहीं हूँ, नहीं हूँ, मैं कुछ जरूरी काम से किधर गया, चार मीनार गया हूँ। क्या भूचाल भाई, एयरपोर्ट भी नहीं आए, यहाँ पे भी नहीं आए, इस लड़की को लाने के लिए टोल नाका पे 200 रुपया। अरे खाते में लिख डाल यार, अभी टाइम नहीं है। ऐसा कर, काम खत्म करके घर आ जा, उधर ही बात करेंगे। ओके भूचाल भाई, आ जाऊंगा। एक से छुपना भी नहीं आता, बचपन में लुक्का छुपी नहीं खेला होगा। आराम से। तुम्हारी माँ की पसंदीदा जगह यही है ना चंदू? हाँ, अच्छा हुआ तुमने याद दिला दिया। इन पत्थरों के बीच मेरी माँ की आत्मा है। माँ, 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 ये लाल जोड़े वाली तेरी बहू है, अच्छी लगे तो जवाब दे। माँ, 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 हेलो, हेलो, हेलो। अच्छा तू बाद में जवाब देगी, ठीक है। इसको क्या चूरन दूं? लगता है गई। यारा ये बहती अश्रु धारा। चंदू तुम मुझसे इतना प्यार करते हो? अभी तो पहला पड़ाव भी पार नहीं हुआ। धन्यवाद। क्या? तुमने मेरा इतना साथ दिया इसीलिए धन्यवाद, आज मेरी कामना पूरी हुई। क्या भूचाल भाई, कितना इंतजार किया, इधर उधर भटक रहे थे, आके देखना चाहिए था। तूने किसको लपटाया? जिसको इसने दिखाया। नरसिंह की बहन को। तो एयरपोर्ट पे दूसरी वाली के साथ कैसे आया? कौन वो बंदरिया? हाँ भाई, उसके जैसी बकवास और घमंडी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। बहुत हो गया। क्या गलत बोला मैंने? दुनिया की सारी लड़कियों की बुराई उसमें है। क्या बकवास कर रहे हो, उसकी फैमिली भी क्या बीतेगी? उसकी फैमिली भी उसकी तरह तुच्छ होगी। उसके फैमिली का कोई भी मेरी नजरों के सामने आया तो फुटबॉल की तरह। है वो मेरी बहन है। आप दीप्ति के बदनसीब भाई, ये शुभ समाचार पहले क्यों नहीं दिया? आदरणीय दीप्ति इनकी बहन है, ये मुझे क्यों नहीं बताया? कुछ मत बोल, ये बात पहले बताई होती तो काम जल्दी हो जाता। हनुमान जी की कसम, आपसे झूठ नहीं कहूंगा। आपकी बहन की सुंदरता, उसकी नीली आंखें, उसके खूबसूरत गाल, मुलायम रेशमी बाल, लटकती मटकती चाल, भाई सब आपसे मिलिए।
तुझे पहले बताना चाहिए था, सब तेरी गलती है भाई। भाई मुझे आपका कुछ नहीं सुनना, आप मेरी बात सुनिए भाई। सुन सुन सुन, तूने असल में जिसको पटाया है वो नरसिंह की बहन ही है ना? आपको संदेह है क्या? संदेह नहीं है लेकिन थोड़ा सा शक। संदेह कैसे दूर करूं? फोन करके उसे बोलो फोन पे प्यार का इजहार कर दे। ओ इतना ही? स्पीकर ऑन करो। हाय चंदू। नमस्ते। बोलो। मैंने आई प्रेम यू कहा था। हाँ। उसका अनुवाद किया। कुछ बातें बोली नहीं जाती हैं, उन्हें समझना पड़ता है। कुछ लोगों को बोले बिना समझ में नहीं आता है। आई प्रेम यू। सुन लिया? किससे बात कर रहे हो? मेरी अंतरात्मा से प्रिया। एक बार और। एक बार और मतलब? मतलब एक बार और कहने को कहा है। किसने कहा है? उसी ने, मेरी अंतरात्मा ने। ओके। आई प्रेम यू। ठीक है? अच्छा अच्छा। थैंक यू प्रिया। क्या बात है, कट किया ना? हाँ, कट कर दिया। अगर अभी भी आपको संदेह है तो मेरे गले का नाप ले लो, बनवा लो छुरा। मतलब चंदू, इस शकुनी की बातों में आकर मैंने युधिष्ठिर पे शक किया। ऐसे लोगों को पगार देने से अच्छा मुझे दीजिए। छोड़िए, काम की बात सुनिए। उस नरसिंह ने अपनी बेटी की शादी उस दुग्गल के बेटे के साथ तय की है इसी महीने। कौन सी तारीख को? 22 तारीख को। 22 तारीख मतलब 10 दिन का टाइम है अपने पास। शादी के एक दिन पहले तुम उसे भगा कर ले जाओ और फेरे ले लो। दुग्गल की नजरों से वो नरसिंह गिर जाएगा और फिर वो पागल हो जाएगा। वो मेरे साथ क्यों भागेगी, मैं इतना खूबसूरत थोड़ी ना हूँ। अबे आई लव यू बोला ना अभी तेरे को। मुझे आपकी बहन चाहिए होगी। हाँ ले। ए, ए, क्या बोला? अरे वो उसे लाएगी ना, तुम्हारी बहन और वो पहले रूम पार्टनर थे। ये क्या बक रहा है बे तू? आप नहीं समझे ना? नहीं? समझाता हूँ। एक कैरम और गोटीला। ये लाल आपके शत्रु की बहन, ये सफेद वाली आपकी बहन। रानी के लिए कवर लेना पड़ता है। लेना पड़ता है। तो मुझे एक बात बताइए, लाल कौन है? नरसिंह की। और सफेद? मेरी। विजयी भव, तू तो जीत गया। प्राणेश्वरी, दिन में कैसे याद सताई? चंदू कहाँ हो तुम? अरे भूत सवार हो गया उसके ऊपर। मैं देखो प्यार का। तुमसे मिलने को दिल चाहता है। अरे उतावली मत हो, तुम्हारी बहन का कक्ष कहाँ है? तुझे क्या काम है? अबे गधे, सफेद है वो, कवर कवर जा जा। तैयार रहो, मैं प्रवेश करने आ रहा हूँ। उसे पटाने के लिए मैंने तुझे जर्मनी भेजा था, उसे मत बताना। हाँ, हम दोनों का राज राज ही रहेगा। कितने दिनों बाद मुझे बाहुबली की तलवार मिली है। हाय हाय हाय, तुम तक पहुँचने के लिए मुझे कितनी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ रही। अब रहने भी दो चंदू, इंडिया आने के बाद तुम अपने प्यार को तो भूल ही गए। सच बोलो, तुम्हें मेरी याद कभी नहीं आती? रात रात भर तुम याद आती हो। तुम्हें क्या पता मैं कितना तड़प रही हूँ, तुम्हें देखना चाहती हूँ। तो देख लो ना। मैं फोन से बाहर निकल चुका हूँ। तुमने इस घर में प्रवेश कैसे किया? जब दिल के अंदर आ गया तो यहाँ कौन सी बड़ी बात है। सॉरी चंदू, मेरा भाई कोई ऐसा बड़ा 30 मार खा तो है नहीं, इसलिए मैंने उसके बारे में नहीं बताया। तुमने मेरे भाई को क्या बताया चंदू? तुम्हें पाने के लिए जान जोखिम में डाली है, मैं तुम्हारे भाई के गैंग में शामिल हो गया। गैंग में? पर तुम तो अच्छे फोटोग्राफर हो, पर इतना बड़ा रिस्क क्यों? क्योंकि आई प्रेम यू, तुम्हें पाने के लिए। आई प्रेम यू। मेरी तरफ से भी। तू आखिर चाहता क्या है? पहले एक से कहता है कि प्यार करता है, फिर दूसरी से कहता है प्रेम करता है, वो दोनों कितने बड़े राक्षस है जानता है ना? डॉन बनने के चक्कर में एक दिन अपनी जान गवा देगा और साथ में हम लोग की भी। तुम लोगों के जान की कीमत ही क्या है? ये डॉन का टैटू सिर्फ यहाँ ही नहीं, बदन पे 5-6 जगह बना हुआ है। एक तरह से ये मेरा आईडी कार्ड है। गरम पानी में अदरक डालो तो होता है काढ़ा, आप उनके साथ पंगा लो तो होता है राड़ा। हाँ बोलो भूचाल सिंह। सर को फोन तो बात करनी है। नहीं दे सकता, युगांडा के प्रेसिडेंट हुलाला के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। हुलाला सर, आपसे आपके देश में पिन से लेकर प्लेन तक सारा सामान मैं ही एक्सपोर्ट करूंगा, मुनाफे का 20% आपका और 5 इसका। हंट आपको यंटा है, 32 टंटे का दंटे का। इंटर से कंटे दो, हंट आपको जंटा था जंटा, ये दंटे ही तो दंटूसरे से बंटा कंटर है। ये कह रहे हैं कि इन्हें 50% चाहिए, पर नहीं आपके साथ सौदा नहीं करेंगे। नहीं 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 नहीं, 1% भी नहीं बढ़ाऊंगा। क्या हुआ? भूचाल का फोन है, कुछ बात करनी है। भूचाल? एक्सक्यूज मी। हाँ भूचाल, बोलो क्या बात है। उस नरसिंह की बहन से आपने अपने बेटे की शादी तय की है? हाँ, की है। तो शादी के ठीक 1-2 दिन पहले उसकी बहन एक उठाई गिरे के साथ भागकर शादी करने वाली है और वो उससे प्यार करती है। क्या कहा? अगर ऐसा हुआ तो मेरी तो नाक कट जाएगी और मैं तुम्हारी इस बात पर भरोसा कैसे कर लूं? आपको अगर यकीन ना हो तो भागने का वेट कीजिए, अपने आप यकीन हो जाएगा। एक मिनट, मैं अपने आदमी को भेजता हूँ, तुम साबित करके दिखाओ। ठीक है, जंटे आधा नंटे ही दंटेंगे। मेरी बात चल रही है और कब से
मुझे बकबक किया जा रहा है। चुप। इसमें हंटमारा भी तो बकवाना। चुप। सौदा हो गया? नहीं, बकबक कर रहा था, चुप कर दिया। लाश अंदर ही है, ठिकाने लगा देना। तेरी चाल के हिसाब से चल रहा हूँ। उसने क्या कहा? वो कह रहा था अपने पंटर लोग को भेज रहा हूँ। आने दो, वरमाला से स्वागत करेंगे। ऐसे भी मेरे जीजा जी पूरा टाइम तो फ्री बैठे रहते हैं। उसके सामने नरसिंह की बहन के साथ मेरा टाका भिड़ा है, ये साबित कर देंगे। वो रिश्ता तोड़ देगा और आप अपनी बहन का रिश्ता वहाँ जोड़ देना। काम हो गया, उसी मंडप में दुग्गल के बेटे के साथ आपकी बहन की शादी कर देना। अरे चंदू चंदू, तूने तो मेरी लाइफ बना दी। मैं तो उसे पाताल में घुसाना चाहता था, लेकिन तूने तो नरक लोग का प्लान बना दिया। हाय, ये तुम पे बहुत जच रहा है। इनमें से तुम्हें जो पसंद है ले लो। तो फिर मैं ये सब लूंगी। इन्हें बेचने पर अच्छा दाम मिलेगा ना? हाँ, अच्छा मिलेगा। पर बेचना क्यों? भाग कर जाने के बाद घर बसाने के लिए। सुनो, सारे जेवर खरीद लिए हैं, कपड़े की शॉपिंग भी हो गई है, बस शादी ही बाकी है। मतलब तुम्हारी ये शादी तोड़नी है ना? भैया से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। अरे मैं उन्हें संभाल लूंगा। कौन भाई, आपने ठीक से सुना तो नहीं ना कि हमने क्या कहा? अरे बहना, ये क्या दे दिया है मुझे? इसे कान में लगाओ तो किसी की बात सुनाई नहीं देती। ये लो, तुम ही संभालो इसे। क्या बातें चल रही थी? अब शादी तोड़। देखिए ना भैया, शॉपिंग पे जाने के लिए मना कर रहा है, क्या करूं? क्यों भाई, तेरे बाप के पैसे खर्च होने वाले जो मना कर रहा है, सारे पैसे तो मैं खर्चा करने वाला हूं। तुम चिंता मत करो, मैं इसको भेजता हूं। चल तू आ मेरे साथ, इधर आ। अच्छा चंदू, जो काम मैंने तुझे करने के लिए दिया था वो हो रहा है ना? हो जाएगा, कार्य गति पर है। भाई कोई आए हैं। कौन है? श्रीनिवास रेड्डी। हाँ सर। ये चोट कैसे लगी? कोई एक्सीडेंट हुआ क्या? नहीं भाई, मेरे साथ धोखा हुआ। कोंडापुर में मैंने अपनी जमीन डेवलपमेंट कर दी थी। सौदे के मुताबिक आधे आधे की बात हुई थी, पर बिरजू मुकर गया। कहता है सारी जमीन उसकी है और सारे कागजात फाड़ दिए। समझाने की कोशिश की तो उसने मार मार कर मेरा बुरा हाल कर दिया। ए कालिया। हाँ भाई। जा देख क्या मैटर है। भाई 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 भाई, ये सुपारी मुझे दो भाई। अपनी बॉडी पे दो चार वार खा के मैं भी डॉन लोगों में अपना नाम लिखवाना चाहता हूँ। क्या कहा? यहाँ कोई मजाक नहीं चल रहा है। एक बार उसे देख लिया ना तो वहाँ जाके तुम्हारी सारी एक्टिंग धरी की धरी रह जाएगी। सामान को लगाम दे, आज विजय दिनाना जॉन मूड में है। मैं आजकल हैके हुए पैसे उठा लेता हूँ, क्योंकि आजकल कड़की चल रही है। पहले उस आदमी को लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पर लिखा कि मेरा भाई चोर है। हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं खत्म हो जाती है। मच्छर उड़ गया। भाई कैसी लगी मेरी एक्टिंग? शोले, अग्निपथ, दीवार, डॉन, डायलॉग का रिमिक्स कैसा लगा भाई? अरे यार, मार धाड़ के लिए एक्टिंग की क्या जरूरत, इसको तो एक लाइन बोलना भी नहीं आता है। वैसे चंदू, मान गया तुझे, तेरे अंदर फायर है, हीरा है तू। ये ले। वो बिरजू जब तक तेरे पैरों पर गिर कर अपनी जान की भीख नहीं मांगता तब तक छोड़ना मत उसे। गुरुजी, आपके नाम पे काम मिला है, आपका चेला कामयाब हो ऐसा आशीर्वाद दीजिए। ऑल द बेस्ट। हम नरसिंह भाई के आदमी हैं, बिरजू से बात करनी है। जाओ इस पर हस्ताक्षर लेकर आओ और जाकर उससे कहना मुझसे। कौन है बे तू? डॉन। डॉन तेरा बाप, डरा के नहीं तू? लो शुरू हो गई इसकी नौटंकी। नाम जो भी हो, काम बता। तूने श्रीनिवास को धोखा दिया, ये नया एग्रीमेंट है, हस्ताक्षर कर। 5% तेरा, 95 श्रीनिवास का। क्या बोलता है? 95% दो? लगता है ये हमें कुछ हल्के में ले रहा है। एक बार कह दिया ना पैसे नहीं मिलेंगे, जाओ यहाँ से। ऐसा मत कीजिए मालिक, मुझे पैसे की बहुत जरूरत है। ए, जी ये क्यों चिल्ला रही है? कुछ नहीं मालिक। मालिक मुझे पैसे चाहिए और ये दे नहीं रहे। मुझे मेरी माँ के इलाज के लिए पैसे चाहिए, बहुत बीमार है, इलाज नहीं हुआ तो वो मर जाएगी। अरे भाई, अरे ये पैसे मांग रही तो दे क्यों नहीं देते? तुझे इलाज के लिए पैसे चाहिए? हाँ मालिक। दे दूंगा, पहले यहाँ आकर बैठ। तू जितने रकम मांगेगी ना मैं उतने दूंगा। आ यहाँ बैठ, पहले मेरे से वार्तालाप कर। ए चुप, आओ ना। जाओ जाओ, मालिक तुम पर पैसों की बारिश कर देंगे। जाओ ना, जाओ बैठो। ये तेरी बेटी समान है, इस बेचारी की मजदूरी को मजबूरी मत बना। आकर किसी और को दिखा, मैं नहीं करूंगा इस पर हस्ताक्षर। पेपर उठाओ, चलता बन, चल निकल, जा।
आज मन गोली मत चलाना। ए तमंचे ले लो, अगर तूने साइन नहीं किया तो इन्हीं सलियों के बीच तुझे डालकर तेरा आरसीसी कॉलम बना दूंगा। चल हस्ताक्षर कर। ए ले आ रे, आ ला रहा हूं। ए हस्ताक्षर कर, चल। ए चलो रे। नहीं, कोई आगे नहीं आएगा। बहन तुम भी चलो, उसे साथ मत लो, अपना काम हो गया। मैंने इसे बहन माना, ये भी चलेगी। लेकिन क्यों? ज्यादा सोचो मत। ए बिरजू, अपना काम तो हो गया, इससे हमारा कोई वास्ता नहीं। इसके साथ जो करना है कर। ए चल रहे, आजा। ए! ए! चलो मेरे साथ। आपका बहुत आभार भैया। रक्षाबंधन में आऊंगा। अच्छा, हेलो, एक घंटे में आ रहा हूं। ओके, मत रो बेटी। माँ, यही वो भैया जिसने मुझे बचाया। धन्यवाद बेटा, तुम्हारा ये उपकार मैं कैसे चुका पाऊंगी? ऐसा मत कहो माँ, ये पैसे रखो। नहीं भैया। नहीं बेटा, हम ये पैसे नहीं ले सकते। लक्ष्मी, दे रहा हूँ, ले लो। भानुमति, मेरा कान छोड़। चंदू, तू चंदू है ना? डॉन चंदू। मुझे क्षमा कर दे, मेरे कारण तू घर छोड़कर चला गया और इस सदमे से तेरे पिताजी भी चल बसे। चलो माँ। कहाँ? आज से तुम लोग मेरे साथ रहोगे। रुक जाओ, मम्मी ने आपको अंदर आने से मना किया है। तुम्हारे साथ खेलने के लिए दादी को लाया हूँ। दादी! हाँ। बंटी, मम्मी कहाँ है? अंदर है। आप लोग मेरे साथ रोज खेलोगे ना? कितना प्यारा बच्चा है, बिल्कुल चंदू का। आइए बैठिए। वहीं रुको, इतने दिन तुम कहाँ थे? अरे मेरी बात तो सुनो। क्या सुनूं? पहले तुम बाहर निकलो। हम दोनों को इस घर में अकेला छोड़कर कहाँ जाते हो तुम? अचानक प्रकट होते हो, अचानक गायब हो जाते हो, ये चल क्या रहा है? हाँ? अरे मेरी बात तो सुनो, हम बाद में झगड़ा करेंगे, पहले मेरी माँ और बहन से क्या?
तुम्हारी माँ और बहन आई है। हाँ। पहले क्यों नहीं बोला? एक अकेला शख्स इतने लोगों को मार के गया, मतलब उसकी गैंग में इतना ताकतवर है कौन? इतनी जरूरत कौन करेगा? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। और वो नरसिंह भी वहाँ नहीं आया था, कहीं कोई नया कबूतर तो शामिल नहीं हुआ है? पता नहीं कुछ। बिरजू, तुम्हारा काम मेरा शेर जरूर कर देगा। बॉबी, ठीक है भाई, काम हो जाएगा। तू नहीं, अबे चंदू को बुला ले। ए, चंदू को बुला। डॉन चंदू। मुझे तो लगा ये काम आप मुझे सौंपेंगे। शेर और गधे के बीच में कोई फर्क होता है कि नहीं? Man, here he comes like a master. Bang, 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 your guns never matter. Dawn is what the world we know him now. Watch the man who's gonna rule your town. Go! He's one in a million blaster. No! Never think you'll ever get over his shadow. When your world goes off the way, oh my god, he's a 1, 2, 3! तुम्हारी नैया पार हो जाएगी बिरजू। चंदू, नरसिंह के किसी आदमी ने इसकी बहुत धुलाई की है, कौन है पता करके इसका मैटर सॉल्व कर दे। किसने फोड़ा तेरे को? बोल, किसने मारा? बोलेगा या तुझे मैं मारूं? तुम्हें जिसने धोया वो कैसा दिखता है? अरे इसकी तो फट रही है, क्या करें? अरे चुप रहेगा तो पता कैसे चलेगा? नहीं 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 नहीं, मुझे किसी ने नहीं मारा। अरे बिरजू, पूरा मैटर बताया नहीं भाग रहा है? ए बॉबी, ऐसे अतरंगी लोग को छोड़ के तुझे कोई मिलता नहीं है क्या? अरे जीजू, वो बेचारा बिरजू यहाँ पैसे भूल गया, उसे दियाऊं क्या? ये तेरी ड्रामा क्वीन बहन को दे के आ जा, तेरे जैसे हाथी को पालने के काम आएंगे। इस शहर के सारे शमशान फुल हो चुके हैं, अगर तुझे मार दिया तो चलने के लिए जगह नहीं मिलेगी, और अगर जगह मिली तो लकड़ियाँ नहीं मिलेंगी, और अगर लकड़ियाँ मिली तो तेल नहीं मिलेगा। इसलिए भला इसी में है कि निकल ले। हम किसको लेने आए हैं? दुगल साहब का आदमी आ रहा है और उसके साथ उनका बेटा भी आ रहा है। क्यों आ रहा है? लेकिन वो यहाँ पर शादी की तैयारी करने आ रहा है। दुगल साहब को अपने बेटे से ज्यादा उसी आदमी पर विश्वास है। दुगल साहब का बेटा है। और वो उसके साथ कौन है? लगता है ये दुगल साहब का आदमी है। हाँ, हम लोग बस एयरपोर्ट पर। हाँ ठीक है, हाँ पहुँच कर सर। विश्वास, पहुँच गए? अभी नहीं सर, ऑटोमेटिक सीढ़ी पर हूँ, लास्ट स्टेप उतर रहा हूँ। पीछे एक लड़की आ रही है सर, दिखने में बहुत सुंदर है, आप कहें तो चश्मा उतार के आंख मार दूं। ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? आप ही ने फरमाया था हर मिनट की सूचना देते रहना। ये सूचना मुझे नहीं चाहिए, लड़के की जानकारी दो। नरसिंह की बहन किससे प्यार करती है ये पता लगाओ, अपनी आंखें खुली रखो। इसीलिए मैंने गॉगल पहना है सर। इस बात का पता किसी को न चले, प्रवीण को भी नहीं, वरना गड़बड़ हो जाएगी। आपको भी पता नहीं चलने दूंगा सर। ओके, तो हेलो, दुगल साहब का दायां हाथ यही है क्या? हाँ यही है। मैं हूँ कालिया, नरसिंह भाई का दाहिना हाथ। बगल खुजाया है क्या? आपको कैसे पता? मेरी हरकतें कुत्तों वाली हैं, नाक में तेजाब डालता हूँ। शेर वाली हरकत सुनी है, गीदड़ वाली सुनी है, लेकिन आपकी हाँ। थोड़ी अलग। बंदे को विश्वास कहते हैं, पर कोई भी मुझ पे विश्वास नहीं करता, है ना? आ जाओ। नमस्ते भाई। होने वाले दामाद जी की उम्र कुछ ज्यादा नहीं है? दामाद जी ये नहीं है। अरे आरती इसकी नहीं, लड़के की उतारो। अरे आप दिन भर आरती उतारते रहोगे क्या? चलो अंदर चलो। आओ भाई। चलो आइए भाई साहब। क्या भाई, इतना सूखा सूखा वेलकम स्टार्टर नहीं है क्या? स्टार्टर नहीं, हम सीधा खाना खाते हैं। मैं खाने की बात नहीं कर रहा, पीने की बात कर रहा। भैया, ये मेरी बहन प्रिया है। हाय प्रवीण। हाय, आई एम प्रिया। जर्मनी में इंग्लिश पढ़ी है? अरे नहीं भैया, मैंने साइकोलॉजी की पढ़ाई की है। अरे तो वो भी तो इंग्लिश में ही पढ़ी होगी ना। अच्छा, इन भाई साहब का नाम विश्वास है, ये दुगल साहब के जासूस हैं। हर किसी को मैं सूंघ के जान जाता हूँ। बेटा प्रवीण पहली बार आया, जाओ उसे अपना घर दिखाओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ओ ओ, वन मिनट।
क्या हो रहा है वहाँ पर? यहाँ जो हो रहा है आपको बता नहीं सकता। आप भूल गए, आप ही ने कहा था किसी को बताना मत। अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप किसी और को बता देंगे, इसीलिए आपको नहीं बताऊंगा। फिर से बकबक शुरू। काम कहाँ तक पहुँचा? नरसिंह की बहन बहुत प्यारी है सर। अगर आप अपने लड़के के लिए उसे पसंद नहीं करते तो मैं उससे शादी कर लेता हूँ और हनीमून के लिए युगांडा चला जाऊंगा, वो भी आपको बिना बताए। शक्ल देखी है? सॉरी सर, बीच में कोई आ गया था, उसे मैटर पता नहीं चले इसलिए मैंने टॉपिक बदल दिया। ए चंदू, मेरे ही घर पे मेरे आदमी पर हाथ उठाता है तो क्या मैं आपकी औरत हूँ? फाइट सीन में मुझे अकेला वहाँ पर छोड़कर चले आए। तू अपनी मनमानी करेगा तो उसमें ये लोग क्या कर सकते? अगर आपकी बहन के साथ ऐसा होता तो काट डालता। हमारी सोच मिलती है, मैं भी वही करके आ रहा हूँ। तू अपनी बराबरी हमारे भाई के साथ करेगा भैया? वो इसकी बहन है, कहा ना इसने। ए चंदू, असली हीरो है तू। भाई आपकी नजरों में अगर ये हीरो है तो मैं क्या विलन हूँ? हथियार हाथ में लेकर चलने वाला हीरो नहीं होता, जो अपने हाथों से लड़ता है वो असली हीरो होता है। ये है वो हीरो। खड़ा सलाम भाई, क्या मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि तनख्वाह बढ़ेगी? भाई ये लोग सिर्फ बैठ बैठ के पगार खा रहे हैं। मेरी मानो तो सिर्फ इन्हें एक वक्त का खाना दो। मेरे पंच में क्या, मेरी आवाज में भी दम है, ये लोग मेरे आगे पारी खा रहे हैं। ये दोषी की आवाज है। क्या हुआ? एक मिनट, मैं भी आ रहा। ये वही आवाज है, मैं भूल नहीं सकता, वही आवाज है, वही आदमी है ये। यहाँ कौन बात कर रहा था? क्या हुआ प्रवीण? मैंने अभी उस डॉन चंदू की आवाज सुनी, मैं उसे ठीक से देख नहीं पाया लेकिन आवाज पहचान ली है। कहाँ है वो, बता मुझे। सर लगता है अंदर कुछ गड़बड़ है, देख के आता हूँ पर आपको बताऊंगा नहीं। ओके। कौन बात कर रहा था? तू था क्या? मैं नहीं था। तेरी आवाज थी ना, बोल। नहीं नहीं। तो फिर तू ही होगा, तू ही बात कर रहा था ना? ये डॉन चंदू। बात करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, ये तो पैदाइशी गूंगा है। क्या गूंगा? तो मैंने आवाज किसकी सुनी थी? जिसने इसकी धुलाई की थी, इसने सिर्फ उसकी आवाज सुनी थी। उसकी शक्ल नहीं पहचानता लेकिन आवाज बराबर पहचानता। अपना प्रवीण ग्रेट है। ऐसे भी चंदू का मरे हुए तो बहुत दिन हो गए। अरे अरे, बात को समझ, वरना गड़बड़ हो जाएगी। ये सुनकर तुझे क्या हो गया? अरे वो चंदू भूचाल के हाथ से मरा, मेरे हाथ से नहीं। इसी बात से इस लड़के को तनिक क्रोध है। प्रवीण तुम गोवा कब जा रहे हो? आज शाम को ही, एक सप्ताह में आ जाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं उसे। ए, ये सच में गूंगा है क्या? आपकी कसम। अरे कालिया। हाँ भाई। विश्वास जी को उनका कमरा दिखाओ। कमरे में नहीं रहता, बंगला बुक करो, क्योंकि कमरे में मेरी कमर दुखती है। आपकी मदद के लिए कोई चाहिए तो इसे ले जाइए। ये नहीं चाहिए, इसे बहुत खुजली है, इसे लेके जाता हूँ, चलेगा ना? अरे भाई साहब ये गूंगा है, इसे पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता, किसी काम का नहीं है ये। तब तो मुझे यही चाहिए, ज्यादा पढ़े लिखे लोग हानिकारक होते हैं। ए मोती, कम ऑन। टर्की लगता है। चलो जाओ। कहीं विश्वास को संदेह तो नहीं हो गया? ए कालिया। हाँ भाई। जरा सामने आ। वो प्रवीण भी यहाँ आने वाला, ये बात तो चंदू को पहले से बता नहीं सकता था क्या? वो समझदार है इसलिए उसने किसी तरह से बात को संभाल लिया, वरना आज पूरा भांडा। सामान लेकर। वार्तालाप यंत्र, वो भी तेरे पास? तू तो गूंगा है ना, बात कैसे करेगा? इशारों में। ओ सामने वाला बोलता है और तू समझ लेता है। ओके ओके, और मैं तुझसे कैसे बात करूंगा? अबे क्या कर रहा है? अरे फोन रख, एक हो रहा है। तू सही है बाप, आउटगोइंग की जरूरत नहीं, इनकमिंग का रेस्पॉन्स है। मुंह बंद, कान तो पहले से ही बंद है, चला जा। बैठ जा। आपके सामने मैं कैसे बैठ सकता हूँ? चलेगा, बैठ जा, बैठ जा। अबे बैठ ना। ये बता, प्रिया का बॉयफ्रेंड है कोई? बाबा का क्या मतलब? कोई है नहीं या नहीं है कोई? मतलब नहीं है। सच बोल रहा है ना? प्रिया अंगार है वो, छूने से जल जाएंगे। तूने मुझे येड़ा समझा है? ये मैं तेरी मालकिन को फायर ग्लव्स पहन के फिर हाथ लगाऊंगा, समझा? उसके बारे में खुल के बता। एक मिनट। और भी देना, ये खींच के दूंगा। अब बता, चक्कर है ना उसका? तो फिर तू मुझे क्यों बता रहा था कि वो सती सावित्री है? तू तो झूठ बोलने वाला गूंगा है। कितने दिनों से टांका भिड़ा है? क्या हुआ, सांप बिच्छू सूंघ गया? हेलो, कितने दिनों से उसका चक्कर? अच्छा समझ गया।
रियल है। एक दो दिन पहले ओके 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 ओके, मतलब बहुत दिनों से है क्यों? एकदम सही लग रहे। कहाँ मिलते हैं वो? अबे बैटरी खत्म हो गई क्या? अबे तू तो नेता से भी बड़ा लालची है, ये ले अब तो बता। अरे ये पागलपन क्यों कर रहा है? अब समझा, मतलब वो डिस्को में मिलते हैं। वेरी गुड, कौन से डिस्को में? ठीक से जवाब देना है, ऐसी गुड़वा चाले क्यों कर रहा है? अरे सीधी तरह से जवाब देना है, ऐसे टच क्यों? ओ टच डिस्को में मिलते हैं। ओ बहुत बढ़िया, चल बैठ जा। वेरी गुड बेटा। मैं कुछ दे रहा हूँ, इससे तेरी जबान खुल जाएगी। नाउ गो टॉमी, पेठा खा लेना। अरे क्या हुआ, क्या बोल रहा है? ओ मेरे बारे में ऐसा सोचा नहीं था ना। मैं ऐसा ही हूँ, कोई नहीं समझ सकता मुझे। मैं हूँ विश्वास, जिसका कोई नहीं करता विश्वास। अच्छा एक काम कर, मैंने तुझे जो 100 रुपए दिए हैं, जरा उससे साबुन लेकर आ, मुझे कपड़े धोने हैं। ओके टच डिस्को में बन ठन कर आ जाओ, मैं तुम्हें वहीं पर मिलूंगा जानू। आई प्रेम यू बेबी। डांस बाबा डांस, बेबी डांस। मुझे पर किस लिए? तू वहाँ क्या करेगा? देखूंगा देखूंगा। तू डांस करेगा बेटा? अगर तूने डांस किया ना तो तेरे घुटने की कटोरी बाहर निकल के डांस करने लगेगी। तू मेरी चड्डी बनियान, मैं जाकर आता हूँ। चल अंदर रह, बाहर मत, पीछे ही पड़ गया। डांस बाबा डांस बेबी, डांस बाबा डांस बेबी। गया, मैं चलूंगा। दुनिया की कोई सलाखे डॉन को नहीं रोक सकती। पार्टी डांस, मैं मारूंगा चांस। दिखाई नहीं देता, सॉरी, धक्का लग गया, लगता रहेगा। ओह बेबी, yeah, yeah, yeah. Oh, baby. Yeah, yeah, yeah. अच्छा जब तितली यहाँ आ गई है तो तितला भी जरूर आता ही होगा। वहाँ बैठा है। हाय। आप खुल के गले लग जाओ। कहीं ये वही तो नहीं है? ये गूंगा तो बोल रहा है। तुम्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं हो रही है चंदू? मेरी शादी का दिन कितना पास आ गया और तुम्हें कोई? रात है रंगीन, मामला है संगीन, ज्यादा मत सोचो, मेरे दिल में तुम ही हो। ओके अब पियोगी? ओके आज तो टल्ली हो ही जाए। इधर कैसे आया? गमछा किसका है? कपड़े कहाँ से चुरा है? कौन है बे ससुर के नाती? तू बोलता भी है क्या? मैं गूंगा हूँ, हम मन में चिल्लाते तो भी आवाज बाहर तक गूंजती है। नहीं नहीं, दरअसल तुम्हारे जैसा एक और है। नृत्य कुंड से निकल। कोने में बैठ जाऊं सर? हमको क्रोध आया तो गुप्ती निकाल कर नाक के आर पार कर देंगे। माजरा क्या है? ये वही है या कोई और है? अभी पता चल जाएगा। कहाँ है तू? ओहो घर में ही है ना? बाहर निकालो, बाहर निकालो। अरे रो मत बेटा, मैं एक घंटे में आ जाऊंगा। सही हो गई? आज तो बाल बाल बच गया। मुझे नहीं हाथ धोने, आप धो लो बेटा। ओह क्या बात है, ये लड़की तो बहुत ही एडवांस लगती है। क्या भाई, पत्नियों की तरह खिड़की पर मेरी राह देख रहे हो? क्यों रे, साथ नहीं लेकर गया इसलिए तुझे दुख हुआ? क्षमा करना बेटा, दरअसल शहर में तू जैसा ही एक और आदमी घूम रहा है, एकदम सेम टू सेम। इस पर थोड़ा विचार कर, उसने अगर खून किया तो इल्जाम तेरे सर पे आएगा। वो तो मैं शाना हूँ, इसलिए मार खा के पता लगा लिया कि वो गूंगा नहीं। एक मिनट रुक सर। जल्दी बताओ काम कैसे चल रहा है? मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल ली है, उस लड़की का चक्कर है। मतलब उस नर्सिंग के बच्चे ने मुझे धोखा दिया? हाँ सर,
बताइए मुझे क्या करना है? तुम कल वापस आ जाओ। ओके सर। चंदू अब तक फोन नहीं आया। दुग्गल के फोन में जरूर बैलेंस नहीं होगा, इसलिए अब तक फोन नहीं किया। अरे भूल जाइए जीजू, देखना उसका कोई फोन वोन नहीं आने वाला। ओए साले, सकारात्मक बात नहीं कर सकता क्या? धरती के बोझ। अगर घंटी बजी ना तो चप्पल से मेरे कान के नीचे बजाना। घंटी बजी? अरे रुक, बजाने दे कान के नीचे। शांतम पापम अति उत्तम वड़कम उत्तपम, मेरा मतलब दुग्गल है। दुग्गल। हेलो दुग्गल सर। उछाल, तुम्हारी बात सच निकली, उसकी बहन का किसी और के साथ चक्कर है। इतना ही नहीं सर, वो दोनों जल्दी ही भाग के बिहार रचाने वाले। ब्याह के लिए मैंने एशिया के टॉप मोस्ट बिजनेसमैन वीआईपीज पॉलिटिशियंस को न्योता भेज दिया है। मेरा मान सम्मान सबके सामने दाव पर लगाना मैं नहीं चाहता, उसके कारण मेरी प्रतिष्ठा को धक्का लग सकता है। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है सर, अगर आप कहे तो उसी दिन उसी मुहूर्त में ब्याह हो जाएगा। हाँ। कैसे कैसे? आपकी बहन जर्मनी जर्मनी। दुग्गल साहब, मेरी बहन भी उस नरसिंह की बहन की तरह जर्मनी में टिकी हुई है। सुंदर है, समझदार है, पढ़ी लिखी है और उसकी बहन से बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। अगर आप उसी मुहूर्त में मेरी बहन से आपके बेटे की शादी कर देते हैं तो नरसिंह के मुंह पे कली का जूता पड़ जाएगा। क्या ख्याल है हुजूर? मुझे मंजूर है सर, तुम्हारी बहन से मेरे बेटे का ब्याह उसी दिन होगा। तब तक उस नरसिंह को इस शादी की भनक तक नहीं लगनी चाहिए। नहीं लगेगी, तुम तैयारियां शुरू करो। ओके सर। ए, मत दुग्गल का समधी बनने जा रहा हूँ, ये सब तेरी आइडिया की बदौलत है यार, तूने तो मेरी लाइफ बना दी। क्या बात है भैया, क्यों इतना नाच रहे हो? अरे मेरी गुड़िया, अब तो कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं रह गई, तो दुग्गल की बहू बनने जा रही है। हाँ वही, जो इंडिया के टॉप 10 रईसों की कैटेगरी में आता है, मेरा प्राइवेट जेट होगा। भले कितना भी नाच लो कूद लो, ये शादी नहीं होने वाली। ये लीजिए पड़ोती। अरे आपको कैसे पता चला? अरे लेता के सीरियल लगा है, पता चल गया मुझे। ये किसका दिमाग है? अब मेरा प्लान नहीं था ये। वो सब छोड़ो, अब इस मुसीबत से तुम मुझे कैसे बाहर निकालोगी ये बताओ। कौन सी टाचनी से कौन सा फुग्गा फोड़ना है मुझे पता है। हेलो तबेले वाला यादव बोल रहा हूँ, 2 महीने से पैसा बाकी है। रॉन्ग नंबर। अरे दुग्गल भाई। कौन बोल रहा है? तेरी होने वाली बहू का हो चुका आशिक। बेटा दुग्गल, अपने बेटे का मेडिकल करवा, उसमें कोई कमी है क्या? आजकल की लड़कियां पहले से एंगेज होती हैं। तुम्हारी होने वाली बहू का 2.5 साल से मेरे साथ चक्कर चल रहा है। और हाँ, तेरे आसपास इतना स्टॉक मौजूद है ना, उसमें से कोई पसंद नहीं आ रही, खुद रखेगा। ए, तू किसकी बहन की शादी की बात कर रहा है? मेरे बेटे का ब्याह भूचाल की बहन के साथ होने जा रहा है। अबे उसी के बारे में वार्तालाप कर रहा हूँ। भूचाल की बहन दीप्ति मेरी कुच्ची कुच्ची है। तू सच बोल रहा है? इसकी गारंटी क्या है? गारंटी मांग रहा है? कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीद रहा है क्या? दीप्ति का बॉयफ्रेंड होने के नाते ये शादी मुझे मंजूर नहीं। छपे कार्ड फाड़ दे। क्या ये योजना काम करेगी चंदू? अगर मेरे प्यार में 1% की भी सच्चाई है तो उस कार्टून के फोन की घंटी बजेगी। हेलो, तुम कहाँ हो विश्वास? अभी हवाई अड्डा पहुँचा हूँ सर, बोर्डिंग पास बनवा रहा हूँ। जो बोर्डिंग पास बना रही है बहुत सुंदर है, पर मैं आपको बताऊंगा नहीं सर। जल्दी से फाड़। हैं? वस्त्र फाड़ूं क्या? अरे ड्रेस की बात नहीं कर रहा, बोर्डिंग पास की बात कर रहा हूँ। नरसिंह की बहन से मेरे बेटे का रिश्ता तोड़ के अब मैंने भूचाल की बहन से रिश्ता तय किया है, पर सुना है उसकी बहन का भी कोई लफड़ा है। उसके प्रेमी ने ही बताया, उसके घर जाकर पता लगा। और जल्दी से मुझे बता। सर मैं आपको एक बात बताऊं, लड़कियां बिना मेकअप के रह सकती हैं, बॉयफ्रेंड के बिना नहीं। जो बोला है कर। ये शरीफों जैसे कपड़े पहनकर बड़ा अजीब लग रहा है भाई। बॉबी, जो मेहमान आ रहे हैं वो दुग्गल साहब के खास हैं, इसलिए सब उनके सामने बहुत शराफत से पेश आना, ठीक है? समझ गया ना? ए ढोल बजा रे। सॉरी विश्वास जी, आपको देखकर ये लोग बहुत भावुक हो गए, इसके लिए आइए आइए। अरे बजाओ यार। घर किराए का है क्या? खुद का है। शादी की खरीदारी के लिए असिस्टेंट चाहिए। ये मेरा साला बहुत काम कर रहा है। ये भालू मुझे पसंद है। तो फिर बॉबी को रख लीजिए। ये गूंगा तो नहीं? मैं बोल सकता हूँ। गूंगा क्यों? गूंगों के साथ बात करना अच्छा लगता है, वन साइड गेम होता है ना इसलिए। हेलो भैया। ये मेरी बहन दिखती। मैं विश्वास। दुग्गल साहब के आदमी है, दुबई से आए। दिखने में चतुर है, इसका बॉयफ्रेंड ना हो ही नहीं सकता। जा जा बेटा। ओहो, जाने के लिए सुनते ही चेहरा कैसे खिल गया, मतलब कंफर्म है। ओह, मेरा प्रबंध क्या है? 5 स्टार 7 स्टार जहाँ आप कहें हम अरेंज कर देंगे। नो नो नहीं नहीं, मैं यहीं रहूंगा, पास रहकर तैयारियां अच्छे से होंगी। आप यहीं रहिए, कल जीजू गरीबों में भोजन बांटने वाले, आप भी फ्री में खा पी लेना। ठीक है सर को लगेज के साथ ले जाओ। मैं चला। तुम इंसान हो या जानवर?
आ गया अपनी नाक घुसाने। तुझे तो मैं चाय में ही जहर दे दूं। सबसे आसान होगी वो मौत। पी लीजिए चाय। मिला दिया। दो डाली हैं। कम लग रही हैं क्या? मरने के लिए दो बूंद काफी हैं। आप क्या कह रहे हैं? जो जहर मिलाया है उसकी बात कर रहा हूँ। आपकी चाय में नहीं तो? पापी सास सीरियल में एक बंदा हमेशा अपनी नाक दूसरों के मामले में घुसेड़ता रहता है। आपको देखा तो याद आ गया। नौटंकी है। जब तक शादी नहीं हो जाती है सीरियल देखना बंद कर दो। उससे अच्छा शादी पोस्टपोन कर दो। इनकी शादी नहीं हुई क्या? हमारी शादी तो कब की हो चुकी है? बहन की करें। ओ, बहन की शादी। फोन आ गया। ये लो पी लो। यस सर। भुचाल के घर पहुंच गए? उसी की कुटिया में हूँ सर। अगर नरसिंह की बहन मिर्च है तो इसकी बहन शिमला मिर्च है। इसके कम से कम एक दर्जन बॉयफ्रेंड होंगे सर। अगर ऐसी बात है तो जल्दी से पता लगाओ वो लड़का कौन है। पता चलते ही नहीं बताऊंगा। ये क्या क्या हो रहा है इस वक्त? योगा। इस टाइम पे मेरी कुंडली में यही समय लिखा है। कोई परेशानी तो नहीं है ना? कोई परेशानी नहीं। हो गया ना? हो गया। तो जाइए। पहले आप जाइए ना। फिर से होगा? पानी चाहिए था। आपके रूम में होगा? चूहा पी गया। ओ, श्रीमती जी पानी लेके आओ। जरा शीतल जल लाना। अब सो जाइए। अब बस भी करो ना, कोई हमें देख लेगा। कोई देखेगा कैसे? कुछ देखेगा ही नहीं। ओ, कौन है वहाँ? चिपकली होगी। म्याओ। आवाज तो चिपकली की। ये चिपका चिपकी बाद में, पहले ये बताओ शादी कब करोगे? तुम तो जानते हो ना दुग्गल के बेटे से मेरा ब्याह तय हो चुका है। भैया ने तय किया है। पता है, इसी खुशी में मैंने 10,000 की FD की है। क्या तुम ऐसा होने दोगे? तुम बाप बेटे का सफाया करना, मैं दौलत का करूंगा। पर ये मत भूल जाना मेरी कोख में जो बच्चा पड़ रहा है उसके बाप तुम हो चंदू। बच्चा? चंदू कोई हमारी बातें चुपके से सुन रहा है क्या? नेवला होगा जानू। हमारा जो बच्चा पैदा होगा वो दुग्गल के वंश का वारिस बनेगा। पगली। हमारे बच्चे की डिलीवरी बड़े हॉस्पिटल के बड़े बेड पर होगी। खर्चा वही करेगा। बच्चे का नाम रखना चुकदम पांडे। हम जन्म पत्री बनवा लेंगे। और सुनो, दुग्गल के फटे खर्चे करके उसे कंगाल बना देना। उसका चड्डा उतार के ही वापस आना। मतलब पूरा नंगा? बराबर। एक फुकटिया मर्द को लड़की और पैसे के अलावा क्या चाहिए? है ना? चमड़ी केस में अंदर करा दूंगा। लेकिन चंदू, उन्हें इस तरह से धोखा देना ठीक होगा क्या? धोखेबाज को धोखा देना धोखे का अपमान कभी नहीं होता है। अब तुम मुझे धोखा मत दो। चिपकली के जैसे चिपक रहा है। पर शादी के बाद मेरे बेडरूम में आओगे ना? क्यों नहीं जानू, सेकंड बच्चे की प्लानिंग भी तो कर रही है। तो कल के पैसों से तुम्हारे लिए 100-150 टन जेवर बनवा दूंगा। तू उसके लिए जेवर बनवा, मैं तेरे लिए हथकड़ी बनवाता हूँ। बिल्ली अपने जाल में फंस गई। उस लड़की से प्रवीण की शादी हुई ना तो दहेज में बच्चा भी फ्री आएगा। विश्वास? मेरा विश्वास कीजिए, बच्चे का नामकरण भी हो गया है, चुकदम पांडे। खबर तो पक्की है ना? एक और सच बताऊं सर, दोनों डॉन की बहनों को पटाने वाला एक ही आदमी है सर। विश्वास, तुम्हारी बातें मुझे उलझा रही हैं। मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा। वो आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि मेरी बॉडी में आपको गला ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। ठीक है, मेरे वहाँ आने तक तुम वहीं रुको, रखता हूँ। झूठ सच करते। हाय, कैसे हो? हाय। क्या हुआ, कोई जरूरी काम था क्या? बताता हूँ, कोई और भी आने वाला है। कौन आ रहा है? हाय बॉय। हाय। अरे प्रिया, तुम यहाँ कैसे? और तुम्हें हो क्या गया है? कितने फोन किए, मैसेज किए, कोई अता पता नहीं तुम्हारा। अरे यार, जर्मनी होता तो बात अलग होती। हाँ। पर तुझे तो पता ही है कि हम दोनों के भाई एक दूसरे के शत्रु हैं, क्या करें। क्या बात है राम, इतनी जल्दबाजी में क्यों बुलाया? तुम चंदू से प्रेम करती हो? हाँ बिल्कुल, ये तो तुम अच्छी तरह से जानते हो। और तुम? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, इससे क्यों पूछ रहे हो? एक मिनट शांत रहो, करती हो या नहीं? हाँ मैं भी करती हूँ। अरे ये कैसा पागलपन है, तुम तो सब कुछ जानती हो। तो क्या हुआ? एक सेकंड, सब कुछ तुम्हारे सामने ही हुआ था ना? चंदू ने कभी तुमसे प्यार किया ही नहीं, नहीं है। वो मुझसे ही प्यार करता है। शांत कन्या, इसलिए दोनों को यहाँ बुलाया। तुमसे कहा तुमसे प्यार करता है और इससे कहा कि इससे प्रेम करता है। तुम दोनों के भाइयों के साथ राजनीति खेल रहा है, अपने जीवन को खतरे में डाल रहा है। क्या क्या सच बताऊँ तुम्हें, वो फैशन फोटोग्राफर है ही नहीं। हम दोनों एक ही गांव के निवासी हैं। 10 साल की उम्र में वो भाग गया था, डॉन बनने का भूत सवार उसमें। इसी चक्कर में वो अपना जीवन ना गवा दे, यही डर है मुझे। पर उसका एक राज है जो
जो मुझे कुछ दिवस पहले ही पता चला। और वो क्या है? देखिए, अगर सुधार नहीं हुआ तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर। ये क्या ऑपरेशन करना पड़ेगा? मुझे बहुत भय लग रहा है। तुम चिंता मत करो, मैं सब संभालूंगा। और कितनों को संभालोगी तुम? यहाँ क्यों आए हो? ये आए नहीं है, इन्हें मैं लेकर आया हूँ। आज इन्हें बता दो सत्य क्या है। ये लोग कौन है? तुम शांत रहो, जवाब देने के लिए सही वक्त और सही जगह नहीं है। इन्हें यहाँ से ले जाओ। जब तक सच्चाई नहीं पता चलेगी हम यहाँ से नहीं जाने वाले। और ये क्या, इसे भी फांसा है क्या? दीप्ते, क्यों जवाब नहीं है? ये क्या बोलेगा, मुझसे प्रेम का नाटक किया, मुझसे जी नहीं भरा तो फिर इसके पीछे पड़ गए, है ना? और हम दोनों से ही जी भर गया तो तीसरी को फांस रहे हो। चंदू, ये क्या कर रहे हो? तुम चुप रहो दीदी। दीदी? दीदी? हाँ, तुम लोगों ने सही सुना। बचपन में घर से भागने के बाद जब मैं रेलवे स्टेशन पहुँचा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ जाऊँ, तभी चाचा से भेंट हुई। क्या हुआ चंदू, तू इस समय यहाँ क्या कर रहा है? मुझे हॉस्टल नहीं जाना था, इसलिए मैं घर से भाग निकला चाचा। पापा, क्या हम चंदू को अपने साथ ले चलें? कसम खाइए कि आप मेरी माँ को नहीं बताएंगे। चाचा जी को गांव के सिनेमा में ऑपरेटर की नौकरी मिल गई। डॉन चंदू जी, मास्टर जी, रजिस्टर में यही नाम लिखो क्या? हाँ यही है। मुझे उन्होंने स्कूल में भर्ती करवाया, सारा परिवार मुझे प्यार करता था। डॉन चंदू, प्रेजेंट मिस। दीदी, क्या हुआ? मैं 10वीं पास हो गया दीदी। परीक्षा खत्म होते ही चाचा जी मुझे अपने गांव ले गए। अब वो लोग यहाँ नहीं रहते, कुछ साल पहले ही यहाँ से चले गए थे। चल बेटा चलते हैं। चाचा जी के मालिक के बेटे नरसिंह और भूचाल अच्छे दोस्त थे। एक दिन नरसिंह की नजर मेरी दीदी पर पड़ी, दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। ये पसंद की हवा धीरे धीरे प्यार की आंधी बन गई। नरसिंह में मुझे कोई बुराई नजर नहीं आई, लेकिन जब नरसिंह के पिता को नरसिंह के प्यार के बारे में पता चला तो आग बकुला हो गए। मेरी शादी उसी लड़की से होगी, चाहे आपकी रजामंदी हो या ना हो। वो लड़की बहुत अच्छी है चाचा, हाँ कह दीजिए ना। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, कर लो उसी से शादी। दीदी की शादी की खबर सुनकर हम प्रसन्न हो गए। भूचाल के साथ मिलकर नरसिंह के पिता ने शादी तोड़ने का मंसूबा बनाया। और शादी के एक दिन पहले, हाँ, नरसिंह के पिताजी ने पहले तो शादी के लिए हाँ कह दिया, लेकिन अब तुम दोनों को अलग करना चाहते हैं। कल वो हर हाल में तुम दोनों की शादी तोड़ने वाले हैं, लेकिन नरसिंह ने तय किया है कि वो आज रात ही मंदिर में तुमसे शादी कर लेगा। तुम्हें ले जाने के लिए मुझे भेजा है, अभी तुरंत चलो। इस तरह झूठ का पासा फेंक कर उसने घिनौनी चाल चली। कोल्ड ड्रिंक में नशे की औषधि मिलाकर उसने मेरी बहन को पिलाई। ये सब झूठ है पिताजी, भूचाल को अपना दोस्त बोल के तूने ही उसे सर पे चढ़ाया था और आज उसने तुझे ही दगा दे दिया। मालिक, भूचाल मेरी बेटी को लेकर कहीं भाग गया है। ये नहीं हो सकता। मालिक, भूचाल और इनकी लड़की दोनों बस से भाग रहे हैं। ए भूचाल। भाई, मुझसे गलती हो गई, माफ। अरे तुम यहाँ, तुम तो मंदिर में मेरी राह देख रहे थे। नौटंकी बंद कर। इसकी कोई गलती नहीं है, मैंने ही उसे अपने साथ चलने के लिए कहा। दोस्त बनकर पीठ पर छुरा भोंका। चुप कर, मेरी बात तो सुनो। क्या सोचा था तूने, इसके साथ गुलछर्रे उड़ाएगी, मुझे पता नहीं चलेगा। क्या बोल रहे हो तुम, मुझ पे संदेह कर रहे हो? ये मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी। इस जन्म में मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। अरे रुको, तो रुक जाओ, तुम मेरा विश्वास करो, मैं कोई धोखा मेरे लिए तुम मर चुकी है। चला, मत जा, रुक जाओ, मेरी बात तो सुनो, मत जाओ। तुमने मुझे छोड़ दिया, मेरा क्या होगा? दीदी सदमे को सहन नहीं कर पाई और गर्भ में पल रहे बच्चे के साथ अपने प्राणों की आहुति देने तैयार हो गई। मुझे छोड़कर मत जाओ। ये सब क्या हो गया बेटी? बाबा। दीदी को कलंकित करके उस पांडुरंग ने हमें गांव से बाहर निकाल दिया। मेरी बहन के साथ षड्यंत्र रचने वाले भूचाल को और मेरी बहन को तड़पता छोड़कर जाने वाले नरसिंह को सबक सिखाने की मैंने सौगंध खा ली। भूचाल की गलती की वजह से आज ये अनाथ बनकर जी रहा है और उस सदमे की वजह से चाचा जी के प्राण जाते जाते बचे। दीप्ति, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया, तुम्हें सच्चे हृदय से प्रेम करता हूं। प्यार को पाने के लिए प्यार का नाटक किया, मुझे क्षमा कर दो। उसकी जरूरत नहीं, असल में मुझे तुम्हें धन्यवाद कहना चाहिए, ये सब तो तुमने मेरी भाभी के लिए ही किया है ना। चंदू, आज से मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी। चंदू, पहले क्यों नहीं बताया? जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ, हम सब ये जगह छोड़कर कहीं और रहने चले जाते हैं। नहीं दीदी, उन्होंने तेरी जिंदगी बर्बाद की, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें न्याय दिलाने के लिए मुझे अन्याय भी करना पड़ा तो करूंगा। Oh
तुम्हारी बहन चंदू से प्यार करती है ये जानते हुए भी उसे मेरे बेटे के गले में बांधना चाहते हो? ये सब झूठ है दुग्गल साहब, ये बात आपको जरूर भूचाल ने कही होगी। ए, सिर्फ कहा नहीं है, साबित करके बताया है। तुझे तुम मैं रुको भूचाल, नरसिंह की बहन उससे प्यार करती है ये तुमने साबित किया, लेकिन उसी चंदू ने तुम्हारी बहन को प्रेग्नेंट कर दिया है ये बात तुमने भी मुझसे छुपाई। ये सब झूठ है दुग्गल साहब। ये सच है दुग्गल साहब, जो जाल इसने मुझे फंसाने के लिए फेंका उस जाल में ये खुद ही फंस गया। बस शिकार तुम्हारी बहने नहीं हुई, शिकार मेरा बेटा हुआ है। सच्चाई क्या है मुझे अभी जानना है, जल्दी से उस चंदू को बुलाओ, सच्चाई सामने आ जाएगी। ये बात आपने बिल्कुल सही कही दुग्गल साहब, अभी चंदू को बुलाता हूँ, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये नरसिंह भला चंदू को कैसे जानता है? सारे फसाद की फसल उगाने वाला यही है। इसकी चाल और इसका चेहरा इसके चरित्र से मेल नहीं खाता। सर वो हमारी तरफ ही आ रहा है, उसने हरी कमीज पहनी है। विश्वास कमेंट्री बंद करो, मैं देख सकता हूँ। क्या है सर, आपको खबर देने की आदत पड़ गई है। सॉरी सर। बताओ तुमने जिससे प्यार किया वो नरसिंह की बहन है। ए चंदू, इस अकल के अंधे को बता कि किस तरह तूने पासा पलटा। ये लोग कह रहे मेरी बहन प्रेग्नेंट है, ऐसा हुआ तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, ये मेरी बहन की जिंदगी का सवाल है। जो सच है वो बता, और तू डर मत, ये नरसिंह भाई तेरे साथ खड़ा है, बिंदास बोल। सर ये तो वही गूंगा है। अब ये कौन है? मतलब एक शक्ल के दो आदमी है सर, दूसरा वाला बहुत डेंजर है सर। तू चुप बैठ। नहीं नहीं सर, मुझे और कंफ्यूज मत कर। नहीं सर, मुझे कुछ काम याद आ गया, घर जाऊं सर। चंदू मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, सच बोल दे भाई। तू चाहता है मैं सच बोलूं तो तुझे भी सच्चाई से पर्दा उठाना होगा। दीदी पहचाना इसे, तुम दोनों के बीच में नाजायज संबंध है ऐसा कहकर तुमने इसके चरित्र पर दाग लगाया था, याद आया तुझे? चल सच्चाई से पर्दा उठा, उसके बाद तुम भी सच बोल दोगे ना। पहले तुम सच बताओ, तुम्हारे पिताजी ने पैसे देकर मुझसे ये नाटक करवाया, लक्ष्मी बहुत अच्छी है। मुझसे गद्दारी की तूने? रुक जा, इसमें तुम दोनों बराबर के गुनहगार हो। दुनिया की बातों में आकर तुमने मेरी बहन को धुतकार दिया। उस दिन सिर्फ मेरी बहन की नहीं दो जिंदगियां उजड़ने वाली थी, जब तुमने उसका हाथ छोड़ा वो माँ बनने वाली थी। हाँ भैया, ये आपका ही बेटा है। मैं इस लायक भी नहीं रहा कि तुमसे माफी मांग सकूं, फिर भी मुझे माफ करोगी ना? सर पिछड़ा परिवार दोबारा मिल गया सर, मुझे जोर से रोना आ रहा है। तो उनके कंधे पे सर रख के रो ले। भैया मैं प्रेग्नेंट हूँ ये बात सुनकर आप कितने दुखी हो गए, लेकिन उस समय आपने एक प्रेग्नेंट औरत को धोखा दिया, क्या ये गलत नहीं है? हाँ बहना, लक्ष्मी मुझे माफ कर दो। ए चंदू, असली हीरा है तू। आभार जीजा जी। खत्म करो तुम्हारी मेल मिलाप की नौटंकी, ये सब देखने के लिए मैं यहाँ नहीं आया, तुम लोगों का सत्य क्या है ये जानने आया हूँ मैं यहाँ। कौन सा सत्य? डॉन चंदू कहाँ है? वो तो कब का मर चुका है। किसने ही मारा था उसे? डॉन चंदू यहाँ मेरी आंखों के सामने खड़ा है और कह रहे उसे मार दिया। इसने ये कैसे जान लिया? मैंने हाँ तो गर्ल, तेरे बेटे की धुलाई करने वाला डॉन चंदू मैं ही हूँ। चल गोली चला। तुझे मारने के लिए मेरी पिस्तौल की एक ही गोली काफी है, लेकिन तुझे इतनी आसान मौत नहीं दूंगा, तुझे तड़पा तड़पा कर मारूंगा। आ जाओ। नाम के आगे डॉन लगाने से कोई डॉन नहीं बन जाता, ये असली डॉन है और ये तेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। कोई भी जोड़ नहीं पाएगा, समझा रहा है। दुबई के दुग्गल, आज में खुजली हो रही है, बिना नींबू पानी के मुझे खाना पचता नहीं है और मेरे नाखून की खरोच लगने से दुश्मन पचता नहीं है, आज तो मैं सारी भड़ास निकाल कर रहूंगा।
पब्लिक क्या बोलती? इस टकले को धोऊं क्या पहले? तेरा क्रियाकर्म करने आया हूँ, दिखावे पे मत जा। मैं तो जैसे लुच्चे लफंगे के लिए यमराज बन के आया हूँ। अगर तुझमें हिम्मत है तो मुझसे भिड़ के दिखा, आजा। अच्छा? अरे सुनो चंदू, अरे सुनो डॉन साले साहब, देखो मैं चाहता हूँ कि तुम इन सबके चेहरे का रंग लाल कर दो। तुम ये कैसे करोगे मैं नहीं जानता, लेकिन तुम्हारी चीख से इनकी पैंट गीली हो जाएगी। सांबार खाकर तुझे बदहजमी हो गई है, ला मैं मुक्का मारकर उसे पचा देता हूँ। बहुत बड़ा डॉन है तू। बॉडी की सिकाई हो गई, अब मजा आएगा। सरकार पर बोझ हो, तुझे जेल भेजकर हम अपने टैक्स की बर्बादी नहीं करेंगे, यही खत्म करेंगे। तुगल चाचा, शो कैसा लगा? बहुत बढ़िया, मेरे साथ काम करो, तुम्हें इंडिया का डॉन बना दूंगा। अगर इस बुढ़ापे में तू चाहता है कि तेरे हाथ पैर सलामत रहे, तो एक काम कर, दुबई जाकर अपनी सारी दौलत दान कर दे और घर घर पेपर बेच कर ईमानदारी से कमाना शुरू कर। समझ गया, आपकी आज्ञा सर आंखों पर डॉन चंदू, बाय। याम पापड़, अब तू सुधरने का क्या लेगा? डॉन की पोस्ट। चल निकल, निकल। तुम्हारी योजना तो काम कर गई चंदू। छोटा सा प्रश्न है। पूछना। वो गूंगा कहाँ गया? जिंदगी भर इसी सवाल से कंफ्यूज रहेगा।